वेल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलो आप ज्वाइन हो गए हो सभी यस और नो ज्वाइन हो गए तो चलिए दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारा फ्री फास्ट ट्रैक रैपिड रिविजन 4.0 जिसमें अभी जीएसटी का पहला सेशन है और हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लेवी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जो सेक्शन सेवन वाला डिस्कशन है तो चलिए दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चन हो गए हो सकता है कि अभी आप अपने जो करंट बैचेस की डाउट लॉग इन या टेक्निकल इश्यूज हो गए जो भी डाउट्स और क्वेश्चन गए तो इस वीडियो के एंड में आई रिपीट इस वीडियो के एंड में अपना ऑर्डर आई और अपना प्रिफरेबल टाइम छोड़ देना ओके okay, तो हमारी टीम आपसे कनेक्टेड रहेगी और यस yes, ओके okay, आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगी अभी मैं आपके कोई भी कमेंट्स की तरफ नहीं देखने वाला हूं पहले मैं आपको यहां पे हमारा रैपिड रिविजन कैसा होगा उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे तो चलिए आर यू रेडी यस और नो तो इस बार अस्सी बार तो चलिए दोस्तों हमारा फ्री फास्ट ट्रैक रैपिड रिविजन 4.0 जो स्टार्ट हो रहा है आज से जिसमें जीएसटी का डिस्कशन एंटायर 15 टू 20 आवर्स का होगा और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स रहे हमारे 12 लेक्चर्स हो गए तो दोस्तों यस yes, 12 लेक्चर्स हो गए जिसमें मैं सारा एंटायर सिलेबस कवर करूंगा और ये आपकी जीएसटी की फास्ट ट्रैक बुक है ओके okay, और इसमें जो है ओके फास्ट ट्रैक बुक जो है इसमें कवर चीज हो सकता है जो भी है मेरा मूड होता है तो करंट कवर डाल देता हूं तो इसमें यस ओके पूरा जीएसटी हम कवर रिवाइज करने वाले हैं और कितने पेजेस में ओके थर्टी पेजेस में पूरा जीएसटी हम रिवाइज कर करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट बुक ओके यहाँ पे ये टोटल हमारा जो सेशन है ट्वेंटी फाइव डेज चलेगा सर अगर ट्वेल्व लेक्चर्स है तो ट्वेंटी फाइव डेज कैसे चलेगा क्योंकि इन बिटवीन जो है मैं क्वेश्चन या डिस्कशन भी ऐड करूँगा और साथ साथ में यहाँ पे आपका टेस्ट भी ओके टेस्ट पेपर भी दूंगा आंसर शीट के साथ जो आपको सेल्फ इवेल्यूएट करना है तो दोस्तों पे तो हमारे इफेक्टिवली बार तो ही हो गए पर इन बिटवीन मैंने कुछ क्वेश्चन सेशन रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं तो कुछ चैप्टर्स होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन एयर सेशन भी प्रोवाइड करूंगा जो आपको मेरे साथ देख लेना है तो ये बुक और क्वेश्चन यस yes भाई ओके okay, इस बार अस्सी पार और जीएसटी में यहाँ पे 40 पार लेने के लिए क्योंकि टोटल वेटेज है 50 मार्क्स का तो अब ऐसे केस में दोस्तों इसका एक कंप्लीट शेड्यूल जो है मैंने यहां पे यस yes, एक कंप्लीट पूरा शेड्यूल आपको बना के दिया हुआ है कौन से दिन कौन से लेक्चर हो गए क्वेश्चन एयर कब होगा आपका टेस्ट पेपर कब होगा ये कंप्लीट शेड्यूल मैंने बना के दिया हुआ है सर ये शेड्यूल कहाँ पे है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे वेबसाइट की उस पर जाके आपको सब्सक्राइब करना है और आपके लॉग में आपको पीडीएफ यानी मटेरियल कंटेंट का पी और ये कंप्लीटली शेड्यूल मिल जाएगा और वो शेड्यूल मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा चलिए दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे यस बुक्स जो है बुक्स कैसे मिलेगी तो यहाँ पे बुक्स जो है आपको जीएसटी चार्ट बुक का पीडीएफ जो है आपको दिया जाएगा कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा मैं दो मिनट बाद आपको बता दूंगा तो जीएसटी चार्ट बुक का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और क्वेश्चनर क्वेश्चनर बुक का डिजिटल बुक जिसे मैं जिनी बुक कहता हूँ वो आपको दिया जाएगा तो इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सो सर हमारा रिविजन किसके बेस पर होगा हमारा रिविजन ये चैप्टर वाइज चार्ट बेस है पूरा चार्ट के बेस पर हम कंप्लीट रिविजन करेंगे और हर चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे और रेगुलर क्लास में जब मैं कोई चार्ट्स लेता हूँ तो जहां जहाँ इंपॉर्टेंट है वो भी चार्ट इंडिविजुअल टॉपिक्स के वो कवर करेगा तो हमें ओके okay, जो मेनली लगना है वो जीएसटी चार्ट बुक लगना है ओके okay, तो ये अपडेटेड चार्ट बुक की पीडीएफ मैंने ओके okay, आपको लॉगिन में दे दी है अगर आपको फिजिकल कॉपी बाय करना है तो आप हमारे वेबसाइट से हमारे एसोसिएटेड चैनल वेबसाइट एसोसिएटेड चैनल के वेबसाइट से आप ऑर्डर दे सकते हो Now, इस बार का क्वेश्चन एयर बुकलीटली नया क्वेश्चन एयर बुक है जिसकी डिजिटल कॉपी पीडीएफ कॉपी नहीं डिजिटल कॉपी जिसे मैं जिनी बुक कहता हूं वो दिया जाएगा मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन एयर बुक इस बार का जो है नया प्रीफर कीजिएगा रेदर देन ओल्ड क्योंकि कंप्लीटली मैंने चेंज कर दिया है और जो हमारा क्वेश्चन डिस्कशन होगा वो इस क्वेश्चन बुक्स के बेस पर होगा तो चलिए ये दोन मटेरियल मेनली हमारे लिए काम के है उसके बाद में जैसे ही हमारा ये 25 का कंप्लीट हो जाएगा तो अप्रैल तो फर्स्ट वीक में एक यहां पे मैं आपको जिसका अभी प्रिपरेशन चालू है सुपर थर्टी क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है बहुत सारे को करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ये कॉपी है उसी लॉग में आपको प्रोवाइड कर दूंगी और हो सके तो उसका

तो पहला प्लेस ऑफ सप्लाई अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और TDS, TCS और एक टॉपिक नाइन फाइव ओके जो आर सी एम वाला है, वो आपको हुआ है तो सबका डिस्कशन मैंने डाल दिया है है टोटल लेक्चर्स लेक्चर्स ओके रेगुलर क्लास के आपको दिए हैं क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपके लिए नहीं है ओके okay, इसलिए मैं कहूंगा कि आप रेगुलर क्लास के ही लेक्चर्स यूज करो और वो आप कंफर्ट के हिसाब से देख लो सर हम आरआर रिवीजन बैच के साथ ये लेक्चर्स देख सकते हैं क्या बिल्कुल आप आरआर रिवीजन के साथ आपके कंफर्ट के हिसाब से ये लेक्चर्स देख सकते हो नाउ जो नए टॉपिक्स ऐड किए आपके लेक्चर्स खत्म होने के बाद अगले महीने में यानी आखिरी आखिरी में मैं उसका रिवीजन लेने वाला हूं तो उसका भी रिवीजन मैं कवर करने वाला हूं तो क्या बात है उसकी भी रिवीजन हो जाएगी पर पहले आप टॉपिक कंप्लीट कर लो उसके बाद में अमेंडमेंट का एक लेक्चर जो है मैं कल या परसों ऐड कर दूंगा तो वो अमेंडमेंट का लेक्चर ऑन प्रायोरिटी देख लेना अमेंडमेंट का लेक्चर ऑन प्रायोरिटी देख लेना मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि वो सारी अमेंडमेंट्स हमारे डिस्कशन में कवर होगी तो ये जो है अमेंडमेंट का लेक्चर प्रोबेबली कल इवनिंग में या परसों मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा स्टेट यून विथ आवर वी स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी है वो टेलीग्राम लिंक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वो टेलीग्राम लिंक से आप हमारे आर आर में कनेक्ट हो जाओगे चलिए अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पे सर हमें ये जो है आर आर फोर पॉइंट ओ ये लॉग में कैसे मिलेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है बेटा तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वो आपको यहाँ पे जिस्ट मिनट मैं बता देता, तो जस्ट मिनट सॉरी बेटा तो आप आ जाओ आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया अगर आप यहां पे वो लिंक यूज करोगे तो आप हमारे वेबसाइट पे आ जाओगे और ये लैंडिंग पेज पे आओगे इसमें आपको ये कोर्स जीरो प्राइस पे बाय करना है मतलब ये कोर्स की सारी डिटेल्स करके आपको बाय नाउ करना है एड टू कार्ड आपका हमारे इसमें लॉगिन क्रिएट हो जाएगा उस लॉग इन में मटेरियल कंटेंट में सारा मटेरियल दे दिया जाएगा और आपका कंप्लीट शेड्यूल भी दे दिया जाएगा यस आपका कंप्लीट शेड्यूल भी दे दिया जाएगा तो चलिए ओके तो फटाफट पड़ या आर फोर पॉइंट ओ को सब्सक्राइब कीजिएगा लिंक मैंने दिया हुआ है ओके वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कीजिएगा और इसके लॉगिन में आपको सारी पी कॉपी मिल जाएगी चलिए दोस्तों ये तो हमने देखा रिगार्डिंग टू आपका शेड्यूल कैसे होने वाला है ओके चलो नेक्स्ट हम बात करें हमारा आपको पी डी एफ कॉपी और बुक्स कैसे मिलेगी ये मैंने आपको बताया अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे यस नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये मैंने एक रिवीजन शेड्यूल बनाया हुआ है ओके हमारा शेड्यूल कैसे रहेगा और ये आपको लॉग में मिल जाएगा जिसमें मैंने डेट वाइज कौन कौन से टॉपिक होगे ये दिया हुआ है अगर ये आप टॉपिक पढ़ के आओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा और बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगी और टॉपिक का रेफरेंस मटेरियल आपने पढ़ते वक्त क्या लेना चाहिए मैंने दिया हुआ है कोई कोई टॉपिक टौप, चार्ट बुक से डायरेक्ट पढ़ो तो भी चलेगा कुछ टॉपिक के लिए रेगुलर मैट और चार्ट बुक आप लोगे तो भी चलेगा डेट भी दिए कौन से टॉपिक को क्या होने वाला है हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन टॉपिक वाइज कब होने वाला है उसका भी डेट मैंने दिया है तो ये कंप्लीट शेड्यूल आपके लॉग में दिया हुआ है इसके प्रिंट आउट ले लेना और आपको अगर मेरे साथ ये लेक्चर्स करना है तो इस डे को सेम टाइमिंग पे और हमारा टाइमिंग होगा यस सेवन फिफ्टीन आपको कनेक्ट हो जाना है अगर कोई डेट में चेंज होगी हो तो हम अकॉर्डिंगली चेंज ओके कर देंगे लेकिन ये शेड्यूल हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और साथ साथ में इन बिटवीन जो हमारी टेस्ट होगी तो टेस्ट का टाइमिंग भी मैं आपको बता दूंगा और इसमें टेस्ट का शेड्यूल भी अपडेट कर दूंगा जिसमें आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा आंसर शीट भी प्रोवाइड कर की जाएगी और आपको सेल्फ इवेल्यूएट करना है तो दोस्तों ये सारा सब कुछ आपको किस में मिलेगा आपके लॉगिन में आपको लॉग कैसे क्रिएट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है आपको वो कार्ट में ऐड करना है बाय करना है जीरो प्राइस पे आपका लॉगिन क्रिएट होगा और लॉग क्रिएट होने के बाद आपको मटेरियल कंटेंट में ये सारी चीज़ें मिल जाए एगी तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा तो चलिए अब आज का जो पहला सेशन है आज का पहला सेशन जो है ये इंटर और फाइनल के लिए क्योंकि पहला चैप्टर दोनों के लिए सेम है तो पहला सेशन दोनों का कॉमन है मैं फाइनल का मिशन संभव ले रहा हूं और इंटर का आर आर रिविजन ले रहा हूं और इसके बागे, आगे के चैप्टर जो है फिर हम अलग अलग डिस्कस करेंगे तो चलिए दोस्तों यहां पे यहां तक मेरा पूरा वीडियो आपने सुन लिया होगा अब थोड़ा सा ब्रेक आएगा क्यों क्योंकि अब मैं ओके okay, दोनों लिंक फाइनल और इंटर के लिंक ज्वाइन करने वाला हूं और मैं यहां पे आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करने वाला हूं तो आर यू रेडी यस और नो तो पहला सेशन दोनों के लिए कॉमन रहेगा तो यस थोड़ा वेट करना दोनों लिंक कनेक्ट होगी और मैं ये पहले चैप्टर्स आपके साथ रिवाइज करूंगा चलिए दोस्तों तो यहां पे ओके okay, कंटिन्यू करते हैं हमारा रिवीजन आपके डाउट्स और क्वेश्चंस में लूंगा वेट फॉर दैट आपके डाउट्स और क्वेश्चन में लूंगा ठीक है तो वो सारे आखिरी में लूंगा अभी रुक जाना ठीक है वेल, well, सो so, दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन फर्स्ट टॉपिक यस मैं आपसे कनेक्ट हो चुका हूं आपसे जुड़ चुका हूं तो चलिए हमारा डिस्कशन की शुरुआत करते हैं आर यू रेडी यस और नो प्लीज बताओ आर यू रेडी यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड चलो दो मिनट दो मिनट दो मिनट थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ दो मिनट थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ चलो ओके एक्टिंग कर लो लाइव ओके तो नाउ सर ओके यार आजकल आपको कोई भरोसा नहीं है आप कहोगे कि सर ये एक्टिंग करके बताओ लाइव तो एस आर के की एक्टिंग करके बताओ तो चलिए शुरू करते हैं ओके यहाँ पे हमारा लाइव सेशन पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी कनेक्टेड हो चलो आपके डाउट्स क्वेश्चन एंड में लूंगा अभी रिवीजन स्टार्ट करते हैं डेली हमारा रिवीजन डेढ़ से दो घंटा चलेगा हम सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है हम सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे और मैं आपका जीएसटी बहुत अच्छे से रिवाइज कर दूंगा मजा आएगा और जीएसटी यस आप अच्छा स्कोर कर पाओगे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में ओके okay, बहुत फास्ट ले लेता हूँ ये तो बच्चों जैसी बात है ओके टोटल जीएसटी के फाइव एक्ट है कौन से फाइव एक्ट है सी जी एस टी एस जी एस टी यूटी जी एस टी आई जी एस टी जी एस टी से तो बच्चों ये समझा क्या ये क्या है टोटल फाइव एक्ट सी जी एस टी एक्ट एस जी एस टी एक्ट यू टी जी एस टी एक्ट आई जी एस टी एक्ट और जीएसटी कम्पेंसेशन एक्ट सी जी एस टी जो है वो इंट्रेस्ट रेट सप्लाई पे लगता है एस जी एस टी सप्लाई पे लगता है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट लगता है एस जी एस टी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का है यूटी जी एस टी जो है आप आपका यूनियन टेरिटरी में अगर इंट्रा होता है तो वो सिचुएशन में यूटी जी एस टी लगता है आई जी एस टी जो है मैं अभी कोई क्वेश्चन और डाउट देखने वाला नहीं हूँ अपना क्वेश्चन डाउट वेस्ट मत करना मैं कोई देखने वाला नहीं हूँ पहले बता रहा हूँ जस्ट अट जस्ट अट कोई टेक्निकल इशू आ रहा है जस्ट अट एक जस्ट मिनट बेटा एक टेक्निकल इशू आ रहा है चलो ओके चलो। okay, मेरी आवाज आ रही है क्लियर सभी को येस और नो प्लीज बताओ येस uh, yes, एक टेक्निकल इशू आ गया तो मेरी आवाज आ रही है क्लियर को राजेश एवरीथिंग इज क्लियर ठीक है हाँ तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो यहाँ टोटल फाइव एक्ट है फाइव एक्ट में यहाँ जहां तक देखा जाए तो सी जी एस टी कंपेंसेशन जहां तक देखा जाए तो ये जीएसटी एस टी सेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और जो स्टेट को नुकसान होगा ओके okay, जीएसटी आने के बाद उनको इसका बेनिफिट दिया जाता है तो ऐसे टोटल ओके फाइव एक्ट है जीएसटी कम्पन्सेशन सेस स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई दोनों में पे लगाया जाएगा डन चलिए एग्जाम के हिसाब से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी ओके ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में बेसिक पे अगर क्वेश्चन आया तो इस पे आ सकता है जीएसटी जो है जीएसटी ओके वैल्यू एडेड टैक्स है जीएसटी में भी क्रेडिट्स मिलते हैं इनपुट टैक्स के क्रेडिट मिलते हैं और आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में आप यूज़ कर सकते हो इसलिए जीएसटी जो है ओनली वैल्यू एडिशन पे आता है सेकंड जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है येस yes, अगर आपका इंट्रास्ट रेट सप्लाई हुआ तो जो स्टेट में इंट्रास्ट रेट सप्लाई हुआ उस स्टेट को उसका रेवेन्यू जाता है जैसे लेट्स एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र में आपने अगर सप्लाई किया तो महाराष्ट्र में सी और एच एस जो पे होगा तो एस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में एक और आपको बात बता दूं जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो आईजीएसटी जी लगाता है टोटल आईजीएसटी जी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है पर आईजीएसटी का 50 परसेंट रेवेन्यू पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कलेक्ट कर लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कलेक्ट करने के बाद उसका 50 परसेंट रेवेन्यू स्टेट के साथ स्टेट के साथ शेयर करती है तो कौन से स्टेट के साथ शेयर करती है तो ये फिफ्टी रेवेन्यू जो है वो बायर स्टेट के साथ शेयर करती है जहाँ आपका डेस्टिनेशन स्टेट है जैसे लेट्स के एग्जाम्पल आपका अगर सेल महाराष्ट्र से गुजरात हुआ तो आईजीएसटी का रेवेन्यू पहले कलेक्शन पूरा सेंट्रल करेगी और उसमें से 50 परसेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं देगी उसके 50 परसेंट जो है वो गुजरात गवर्नमेंट को देगी इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है नेक्स्ट ओके okay, जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स है पेड बाय द सप्लायर बोन बाय द कंज्यूमर ये एक प्रिंसिपल है नेक्स्ट ये जो है मल्टीपल स्टेज पे कलेक्ट होता है मल्टीपल स्टेज पे कलेक्ट होता है मतलब अगर हम चेन ले मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक या सर्विस प्रोवाइडर की तो हर स्टेज पे जब जब भी सप्लाई होगा जीएसटी लगेगा ओके okay, तो यहाँ पे मल्टी मल्टीपल स्टेज पे कलेक्ट होता है और हर स्टेज पे अगेंस्ट आउटपुट टैक्स आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है तो ये एक पॉइंट आपको एग्जाम के हिसाब से लिखना है ये ओके बिजनेस टैक्स बिजनेस एक्टिविटी पे लगता है पर्सनल एक्टिविटी पे बिजनेस जीएसटी नहीं लगेगा जैसे सेक्शन सेवन जब हम सप्लाई डिस्कस करेंगे ओके okay, जब हम सप्लाई डिस्कस करेंगे बेटा कोई अभी क्वेश्चन मत पूछो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ओके okay, कोई क्वेश्चन मत पूछो यहाँ पे आ, आ, मेरा रिवीजन होने दो तो फिर आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछेगा नाउ तो सप्लाई जो है बिजनेस टैक्स है जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ पे Uh, आगे जब सेक्शन सेवन में हम देखेंगे तो सेक्शन सेवन में क्लियर लिखा हुआ है कि इन इन द द कोर्स कोर्स ऑफ ऑफ फदरेंस फदरेंस बिजनेस बिजनेस होना repeat, of of होना चाहिए चाहिए आई रिपीट तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए ओके okay, ये कंप्लीटली बिजनेस टैक्स है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको क्रेडिट मिल जाता है आई रिपीट इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको क्रेडिट मिल जाता है तो ये जो देखा हमने यहां पर अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी देखा इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें आपको जो याद रखना है आर्टिकल 246 ए दिस इज द सोर्स एंट्री फॉर लिविंग ऑफ जीएसटी यानी पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों मिलकर जीएसटी लगा सकते हैं आर्टिकल 269 ए में आईजीएसटी लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है और आर्टिकल 366 सिक्सटी ए में ओके okay, जीएसटी का डेफिनेशन दिया है जीएसटी मीनस एनी टैक्स ऑन सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजन पे जीएसटी नहीं आएगा उसके अलावा जो है बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी आएगा लेकिन इसमें भी पांच ऐसे प्रोडक्ट है उसके ऊपर जीएसटी उस दिन आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा बताओ कौन से ऐसे पांच प्रोडक्ट है जिस दिन जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तो जीएसटी आएगा तो पहला पेट्रोलियम क्रूड याद करो मेरे साथ चलो कम पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल हाई स्पीड डीजल मोटर स्प्रीड जिसे हम पेट्रोल कहते हैं उसके बाद में एविएशन टर्बाइन फ्यूल और लास्ट में यहाँ पे नेचुरल गैस ओके ये गुड्स पे जीएसटी तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा अभी तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला जाएगा और दूसरा ऐसा एक गुड्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री से एक्सक्लूड किया गया अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपने पर, आप पढ़ सकते हो टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी हाँ तो कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं ओके okay, अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ओके okay, इसके ऊपर अगर आया तो दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पुराना टैक्स एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसे एसीडी कहते हैं सर्विस टैक्स सरचार्ज एंड सीएसटी ये सेंट्रल लेवल के टैक्सेस मर्ज हुए हैं स्टेट लेवल के टैक्सेस कौन से मर्ज हुए हैं तो स्टेट लेवल के टैक्सेस यहां पे स्टेट वैट सेल्स टैक्स सी एस टी परचेज टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स लग्जरी टैक्स एंट्री टैक्स टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैमलिंग ओके जिसके ऊपर जी एस टी लाया गया है और सरचार्ज एंड सेस अब आपको एक बात बता दूँ इंटरटेन टैक्स में अदर देन दोव बाय लोकल बॉडी इंटरटेनमेंट टैक्स दो टाइप के होते हैं इटी दो टाइप का होता था पहले यानी जी एस टी आने के पहले एक स्टेट लगाता था एक ई टी स्टेट लगाता था और एक इटी लोकल बॉडी लगाती थी यानी एल ओके okay, यहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह इ टी लगाता था तो स्टेट वाला जो ईटी है आई रिपीट स्टेट वाला जो ईटी है वो मर्च कर दिया गया जस्ट मिनट जस्ट मिनट बेटा स्टेट वाला ईटी जो मर्ज कर दिया गया मतलब जीएसटी आने के बाद स्टेट वाला ईटी नहीं लगेगा लेकिन कुछ लोकल बॉडीज यानी जैसे पुणे है या और कोई सिटीज है वो ओके okay, यहाँ पे ईटी लगाती है जैसे आप अगर मूवी देखने गए पुणे में तो पुणे में अगर मूवी देखने जाओगे समझ लो थिएटर में गए और आप मूवी देखने गए तो आपको जो टिकट लगती है एंटरटेनमेंट टैक्स उसके ऊपर लगता है तो इस जैसे वैल्यू ऑफ द टिकट यहाँ पे हंड्रेड रुपीज होगा तो इस हंड्रेड रुपीज़ पर आपको जो है ईटी लगेगा एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफ पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दस रुपए टोटल एक सौ दस रुपए हुआ और इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा तो नाउ जो लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स है ये लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज नहीं किया गया है ओके डन डना डन डन अच्छा कौन से टैक्सेसम नहीं हुए ओके okay, कौन से टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुआ बेटा तो टैक्सेस प्रॉपर्टी टैक्स स्टैम्प ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल और ओ इंडियन हेम नारकोटिक्स ये टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए ओके okay, ये टैक्सेस जो है यहाँ पे एक मिनट ये ये एक मिनट एक मिनट ओ नारकोटिक्स ये निकाल दो ओके इट्स सब्जेक्ट टू जी सॉरी ओके यहाँ लिख देना ये गलती से यहाँ पे है इट्स इट्स सब्जेक्ट टू जी इसके ऊपर जीएसटी लगता है ओपीएम नारकोटिक्स पे इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी या आपने वहां पे लिख देना ठीक है डन तो ये हमने देखा यहाँ पे जहां तक है जीएसटी पे कौन-कौन से टैक्सेस जीएसटी में सबसिम नहीं हुए हैं ओके okay, अब देखते हैं यहाँ पे टैक्सेस ऑन ओपीएम इंडियन हेम अदर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड नारकोटिक्स चलिए अब मैं आपको दो प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशल डिस्कशन करवाऊंगा एक टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट और एक जो है ओपीएम नार्पोटिक इंडियम हेम्स एंड एक्सेट्रा ओके okay, तो इस पे ओके okay, यहाँ पे जीएसटी दोनों पे लगेगा और ओल्ड टैक्सेस लगेंगे सबसे पहले तो हम बात करते हैं अल्कोहल की समझ तो लो सॉरी अल्कोहल नहीं टोबैको प्रोडक्ट्स की अगर टोबैको प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें और अगर कोई कंपनी टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो टोबैको ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर ओके सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है आई रिपीट जिसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाया हुआ है और जिसके ऊपर जीएसटी भी लगाया हुआ है मतलब यहाँ पे टोगा, टोबैको पे मैन्युफैक्चरिंग पे आई रिपीट टोबैको पे मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी आती है और उसके ऊपर जीएसटी भी आता है तो ये याद रखना यहाँ पे तो एक्साइज ऐड होगा और एक्साइज ऐड होके इसके ऊपर जीएसटी लगेगा एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज फिर आगे जब वो बेचा जाएगा तो ओनली जीएसटी लगेगा तो क्योंकि एक्साइज ओनली ऑन मैन्युफैक्चरिंग लगती है तो टोबैको पे एक्साइज एज वेल एज जीएसटी दोनों भी लगेगा नाउ दूसरा यहाँ पे ओपीएम इंडियन हेम अदर नार्कोटिक्स और नार्कोटिक ड्रग्स मतलब चरस गांजा वगैरह ओके okay, ये गुड्स पे आपको स्टेट एक्साइज भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा रीपी स्टेट एक्साइज भी लगेगा ओके okay, और जीएसटी भी लगेगा और ख्याल रहे पांच ऐसे प्रोडक्ट जैसे पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल इसके ऊपर फिलहाल जीएसटी नहीं है पर इसके ऊपर जीएसटी उस दिन से आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तो चलिए ओके अब मैं आपको एक थोड़ा रिवाइज कर देता हूं पहला पार्ट कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता है कमान कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता है छह ऐसे प्रोडक्ट्स है फिलहाल पांच ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है प्लस अल्कोलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी लगता है इनके ऊपर ओल्ड टैक्सेस एक्साइज वैट या सीएसटी लगेगा दूसरा दो ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी लगता है कम ऑन एक्साइज और जीएसटी लगता है वो कौन से दो ऐसे प्रोडक्ट है टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स यानी टोबैको या टोबैको से बने हुए सिगरेट सिगार वगैरह इनके ऊपर जो है ओके सेंट्रल एक्साइज भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा और दूसरा ओ पी यानी चरस गांजा नार्कोटिक्स वगैरह इसके ऊपर स्टेट एक्साइज और जीएसटी भी लगेगा और इसके अलावा सारे गुड्स और सर्विसेज पे आई रिपीट इसके अलावा सारे गुड्स और सर्विसेज पे क्या बेटा तो यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा ऑनली जीएसटी लगेगा ऑनली जीएसटी लगेगा ये समझ में आया क्या आपको ये समझ में आया क्या आपको यस और नो डन 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 समझ में आया होगा तो यस बोलिए ओके okay, समझ में आया तो यस बोलिए नाउ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर दो मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बट ठीक है कीप इन प्रायोरिटी बी वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अरे आंसर दीजिए समझ में आ रहा होगा तो फटाफट आंसर दीजिए वेरी गुड अब देखो जीएसटी काउंसिल कौन कौन से पॉइंट पे रिकमेंड कर रिकमेंडेशन दे सकता है व्हाट द टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी एग्जामेशन इन जीएसटी ओके okay, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जीएसटी काउंसिल मैं आपको ये कह देता हूँ कि आप काउंसिल के बिना गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट के अंडर फॉर्म किया गया और ये सेंट्रल और स्टेट के सारे मेंबर्स इसमें होते हैं जिसमें ओके पर्सन सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और मेम्बर जो होते हैं वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं दोनों मिलकर जीएसटी के डिसीजनस लेंगे दोनों मिलकर जीएसटी के डिसीजन लेंगे और ये जो डिसीजन वेरियस फैक्टर्स पे लेंगे जो रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल करेगा और इसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चेंजेस करेगी ओके okay, तो कौन कौन से मैटर रिकमेंडेशन कर सकता है कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम करने हैं हो सकता है फ्यूचर में अभी नहीं हो सकता है फ्यूचर में स्टैम्प ड्यूटी सब्स्यूम कर दे हो सकता है फ्यूचर में एटी सब्स्यूम कर दे तो ये डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगा उसके बाद में ओके नेक्स्ट एग्जन काउंसिल्स के गुड्स और सर्विस को देगा देन ओके okay, दिया जाएगा ये भी जीएसटी काउंसिल यहां ओके डिसीजन okay, लेगा मिनट ये भी बेटा जीएसटी काउंसिल यहां पे डिसीजन लेगा उसके बाद में जीएसटी लॉ के प्रिंसिपल्स कैसे होंगे लेवी कैसे होगी लॉ कैसा होगा नौ आईजीएसटी का क्रेडिट स्टेट में कैसे अपोर्शन ah, होगा लाख okay, या 40 लाख है तो भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा रेट ऑफ जीएसटी ओके जीएसटी के रेट क्या होने चाहिए अभी बेस फ्लोर रेट है फाइव ट्वेल्व एटीन एंड ट्वेंटी एट और कुछ केस में थ्री परसेंट और पॉइंट टू फाइव परसेंट है जैसे वगैरह तो ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा ओके okay, अदर स्पेशल रेट्स अगर कुछ डिसाइड करना पड़े फ्यूचर में अभी तो कोई स्पेशल रेट्स नहीं है पर अदर स्पेशल रेट कोई फ्यूचर में डिसाइड करना पड़े तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा उसके बाद में स्पेशल प्रोविजन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट जो है हाँ जीएसटी काउंसिल मिलकर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट डिसाइड करेगा स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में एक लिस्ट हमने बताया था जैसे मणिपुर नागालैंड मेघालय मिजोरम उसके बाद में यहाँ पे आ, 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 हमने हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर एंड ऐसे बहुत सारे स्टेट देखे जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में आते हैं ओके okay, नीचे मैंने लिस्ट दी है अरुणाचल प्रदेश आसाम जम्मू एंड कश्मीर मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तो ये जो है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट माने जाएंगे यहाँ पे हो सकता है कि कुछ प्रोविजन अलग से लगे जैसे थ्रेश लिमिट दस लाख ओके okay, थ्रेशोल लिमिट दस लाख थ्री मनी वाला नाग मुझे दिखा मतलब त्रिपुरा मणिपुर नागालैंड मिजोरम इनको अप्लीकेबल होगा तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए कुछ प्रोविजन अलग से

ओके जी एस में यूज होगा उसके बाद अगर बैलेंस बचता है तो बैलेंस लेते वक्त फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में यूज होगा और वो एनी रेशियो में यूज होगा समझ लो आपका हंड्रेड रुपीज का आईटीसी है और आपका आउटपुट टैक्स पेबल है आईजीएसटी जी एस टी यहां पर सिक्सटी रुपीज तो पहले आई में यूज हो गया बैलेंस बचा चालीस रुपया अब ये चालीस रुपया जो बैलेंस बचा आप पूरा सी में यूज कर सकते हो पूरा एस के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो फिफ्टी फिफ्टी यूज कर सकते हो या जो रेशियो में आपको यूज करना है उस रेशियो में आप यूज कर सकते हो इसलिए बेटा जब आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम का फॉर्मेट ऑलवेज कोशिश करना ऐसा रखना कि पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स और आपके प्रॉब्लम में आई जी एस टी है तो पहले आई जी एस टी फिर सी जी एस टी फिर एस जी एस टी और लेस आई टी सी लेस आई टी सी में ओके इनर कॉलम में पहले आई जी एस टी फिर सी जी एस टी और फिर एस जी एस टी ओके तो अब आप जितना ये फॉर्मेट ऐसा रखोगे आई जी एस टी का क्रेडिट पहले आई जी एस टी में फिर बैलेंस बचा तो सी जी एस टी और एस जी एस टी में ओके okay, फिर सी जी एस टी का क्रेडिट सी जी एस टी में बचा होगा तो आईजीएसटी में और फिर एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में बचा होगा तो आईजीएसटी में तो पहले आपको आईजीएसटी कंप्लीट करना पड़ता है एग्जॉस्ट करना पड़ता है आईजीएसटी पूरा यूज होने के बाद आई रिपीट आईजीएसटी पूरा यूज होने के बाद यू विल स्टार्ट आई ऑफ सीजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी में बाद में आईजीएसटी में आप यूज कर सकते हो और एसजीएसटी यूटीजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में और बाद में आईजीएसटी में आप यूज कर सकते हो लेकिन ख्याल रहे सी एस और एसजीएसटी का क्रॉस क्रेडिट आपको अलाउड नहीं है ओके यानी यू कांट यूज द क्रेडिट ऑफ सी जीएसटी अगेंस्ट एस और यूटीजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी अगेंस्ट सी तो ये हमने देखा था रिगार्डिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी उसके बाद में बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ कितने एक्ट है रूल्स क्या है ओके okay, ये तो आप पढ़ सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल कैसे बना ये भी आप रीड कर सकते हो इसमें कुछ नहीं है इन सिंपल वर्ड मेन मेन पार्ट आपको अगर बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर के मेन पार्ट करने हैं तो इतने पढ़ के जाना दैट्स इन मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट आपका खत्म हो जाएगा इससे ता, ज़्यादा टाइम इस चैप्टर को आपको नहीं देना है क्या क्या पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी दूसरा ओके सोर्स एंट्री फॉर जीएसटी इन आर्टिकल उसके बाद में कौ से सबसे हुए कौन से नहीं हुए स्पेशल लेवी रिगार्डिंग टू ओपीएम टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स जीएसटी काउंसिल कौन से बात पर रिकमेंडेशन दे सकता है और आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा एंड डन ओके ये चैप्टर इज ओवर ओके बोलो मजा आ गया मजा आ गया होगा तो एमजेड एमजेड टाइप करो ओके okay, फिर से कह देता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है आपको चार्ट्स कैसे मिलना चाहिए डिस्क्रिप्शन की लिंक आप आपके ब्राउजर में डालो आप वी स्मार्ट एकेडमी से कनेक्ट हो गए फिर आप वो ओके okay, प्रोडक्ट जो है हमारा एकेडमी में कनेक्ट हो वो चार्ट में डालो रिवीजन हमारा चार्ट में डालो फिर लॉगिन क्रिएट होगा और लॉगिन में आपको मटेरियल कंटेंट में सारा पीडीएफ मिल जाएगा ओके सारा कंटेंट मिल जाएगा तो चलो हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है रिविजन में रिविजन ऐसी ही चलेगी अगर आप पढ़ के आओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा और मैं कहूंगा पहले चैप्टर को इससे ज्यादा टाइम मत देना मैंने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पार्ट्स कवर कर लिए है चलिए अब आते चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे आर यू रेडी तो चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट लेता हूं याद आना चाहिए आपको अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो सेक्शन नाइन लेवी क्या कहता है लेवी तीन पार्ट में डिवाइड होती है चार्ज वैल्यू एंड रेट कम ऑन किसमें तीन पार्ट में डिवाइड होती है चार्ज वैल्यू एंड रेट चलो चार्ज जो है ओके okay, चार्ज किसके ऊपर होगा तो चार्ज होगा वो स्टेट सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट ओके एसजीएसटी एक्ट और सेक्शन फाइव वन ऑफ आई जी एस टी एक्ट इंटरस्टेट सप्लाई पे आएगा स्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी आता है व्हाट डू मीन बाय स्टेट सप्लाई एंड वाट ड्यू मीन बाय इंटरस्टेट सप्लाई ओके इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्ट सप्लाई एक क्वेश्चन आया लेना चाहोगा इन बिटवीन सर अगर आप ये रिविज़ अमेंड, अमेंडेड ले रहे हो तो फिर हम अमेंडमेंट लेक्चर्स क्यों करें भाई साहब ये ब्रश अप है अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है वो देख लो मैं यहाँ इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा तो यहाँ तो ओके okay, यहाँ सात घंटे तो अमेंडमेंट में चले जाएंगे मैं ब्रश अप करवाऊंगा सिर्फ ओके ध्यान रखना ओके आपको सिर्फ ब्रश अप करना है तो इट्स ओके नाउ इंटरस्टेट सप्लाई ओके इंटरस्टेट सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई दो पॉइंट पे डिसाइड होता है या इंटरस्टेट सप्लाई दो पॉइंट पे डिसाइड होता है जो आई एक्ट में रिवाइज किया गया है तो इंटरस्टेट इंटरस्टेट सप्लाई जो है यहां पर एलओएस okay, और पीओ मतलब आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई ओके एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होगा मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाय सेम स्टेट में होगा और सेम यूटी में होगा तो उसे इंट्रा कहा जाएगा और अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाय दो अलग अलग स्टेट में होगा दो डिफरेंट यूटी में होगा या स्टेट और यूटी में होगा ओके okay, दो अलग स्टेट में या यूटी और स्टेट में या डिफरेंट यूटीज में होगा तो वो केस में इंटर स्टेट कहा जाएगा मतलब महाराष्ट्र एंड गुजरात तो यहां पे लोकेशन ऑफ सप्लाई जहां से सप्लायर सप्लाई कर रहा है बेच रहा है माल वो एक स्टेट में और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई ओके जहां प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे आईजीएसटी एक्ट में अब एक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शंस दिए हैं, ओके तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ओके यहां पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ेंगे तो लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो हम पीओ एस चैप्टर से फिक्स करेंगे वह आपका अगर अदर स्टेट में फिक्स होता है तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाएगा बाकी प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो ये डिसाइड होता है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट आपके एलओ और पीओ उस पे उसके बाद में ओके ये सेक्शन नाइन वन कहता है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजन पे जीएसटी नहीं आएगा ओके वो तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजन पे जीएसटी नहीं आएगा और पांच ऐसे प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेक्शन नाइन टू कहता है पांच ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ओके जिसे पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल पेट्रोल नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल इसके ऊपर जीएसटी उस दिन आएगा जिस दिन जीएसटी

ओपीएम इंडियन नार्कोटिक्स पे जीएसटी भी है और सेंट्रल स्टेट एक्साइज भी है ओके okay, बाकी वैट और सीएसटी नहीं है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे ओनली जीएसटी है तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है अच्छे से करके जाना इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है उसके तो बाद में इंडिया ओके इंडिया की डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ओके okay, बस मैं आपको बता दूं टेरिटरी ऑफ इंडिया जो हमारी इंडियन टेरिटरी है वो इंडिया में कवर होगा और वाटर का कौन सा कितना पार्ट कवर होगा टेरिटोरियल वाटर यानी माइल्स उसके नीचे का सी बेड और सब सॉइल इंडिया के डेफिनेशन में आएगा ट्वेल्व नोटिकल माइल्स का वाटर सरफेस उसके बाद में उसके नीचे का सी बेड उसके नीचे का सब सॉइल आएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओके एक जो है ओके okay, जब सी uh, uh, थोड़ा डीप होता है तो एक फ्लैट स्लोप आता है और फिर सी फ्लैट हो जाता है एक स्लोप आता है और फिर किया जाएगा एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव जोन अगर कोई पे इस समझ में ना आए आपको तो ये एब्रीवेशन के लिए एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा या एनी अदर मैराइम जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू हंड्रेड नोटिकल स्पेसिफाइड जोन होते हैं जहां गैस और मिनरल ऑयल मिलते हैं तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहे जाते हैं या अदर मैरिटाइम जोन तो सी एरिया का इतना पार्ट इंडिया में आएगा और इन ओके एयर स्पेस अबाउट टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर वो कवर होगा सर एग्जाम में कोई ये डेफिनेशन पूछेगी नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे इसको इतना ज़्यादा आपको ओके okay, इम्फोसाइज नहीं करना है यूनियन टेरिटरी ओके क्योंकि यूनियन टेरिटरी में यूटी लगता है तो अंदमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन दीव दादरा नगर हवेली लद्दाख और चंडीगढ़ इतनी यूनियन टेरिटरी है जहाँ यू टी लगता है ओके okay, चलो अब कुछ डेफिनेशन इस बार ऐड हुई है जैसे ऑनलाइन गेमिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ये मैं लूंगा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ऑनलाइन गेमिंग वगैरह ओके तो ये हम आगे कवर करेंगे चलो यहाँ पे जहां तक है चार्ज इंटरस्टेट इंटरास्ट रेड पर आएगा कौन से गुड्स पे नहीं आएगा ओके और इंडिया का स्कोप क्या है हमने देख लिया वैल्यू वैल्यू जो है डिटरमाइन करेंगे एज पर सेक्शन 15 और रेट जो होगा तो रेट अभी जो जीएसटी के चालू है नॉर्मल रेट तो फाइव ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी है ओके लेकिन कुछ केस में थ्री है और कुछ केस में 0.25 परसेंट है आई होप आपको ये समझ में आया होगा चलो कलेक्शन कलेक्शन इन अ मैनर एस प्रिस्क्राइब जिसके लिए चैप्टर देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपका कलेक्शन होगा तो वो हम आगे देखेंगे और पर्सन लायबल टू पे टैक्स यस ओके टैक्स कौन देगा टैक्स टैक्सेबल पर्सन देगा

पर आप जस्ट पर्सन हो तो जीएसटी नहीं आएगा आप सप्लाई हो सप्लाई के साथ टैक्सेबल पर्सन हो तो जीएसटी आएगा सर मतलब मतलब टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं टैक्सेबल पर्सन वो होगा हो जो रजिस्टर्ड होगा और सेक्शन 22 अगर हम पढ़ते हैं तो आपको थ्रेशोल्ड के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है ओके okay, जीएसटी में कोई बेसिक एग्जम्शन नहीं है आई रिपीट जीएसटी में कोई बेसिक एग्जाम्पन नहीं है जीएसटी में थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन है ओके okay, मतलब क्या आप 20 लाख तक जो बेस लिमिट है कुछ केस में 10 लाख कुछ केस में 40 लाख ओके okay, तो 20 मैं अभी डिस्कशन के लिए 20 लाख कहूंगा तीन तीन लिमिट नहीं यूज करूंगा जो भी आपका थ्रेशल होगा तो 20 लाख का अगर थ्रेशल होगा तो 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है इन शॉर्ट बीस लाख तक आप सिर्फ पर्सन रहोगे टैक्सेबल पर्सन नहीं होगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो अगर बीस लाख का सप्लाई करते हो बीस लाख तक अगर आप सप्लाई करते हो सप्लाई तो हुआ बट यू आर नॉट अ टैक्सेबल पर्सन यूर आर नॉट ए टीपी आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है बट वंस यू रजिस्टर्ड आई रिपीट

जीएसटी में टैक्स तीन कैटेगरी ऑफ लोग देते हैं एक फॉरवर्ड चार्ज में जो नॉर्मली सभी लोग देते हैं सप्लाई पे ओके सप्लाई पे दूसरा जो है रिवर चार्ज में रिसिपियन देता है और तीसरा ओके तीसरा यहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ देता है सेक्शन नाइन फाइव में ओके तो ये तीन लोग है जो जीएसटी में टैक्स देंगे जो टैक्सेबल पर्सन कहलाए जाएंगे चलिए ये तो हमने देखा कि टैक्सेबल पर्सन थोड़ा आप पर्सन पे डिस्कशन करते हैं पर्सन की डेफिनेशन क्या है तो पर्सन की डेफिनेशन क्या एग्जाम में याद रखनी है जीएसटी में जीएसटी में तो नहीं याद रखनी है इनकम टैक्स में रखना है तो रखो जीएसटी में ओके कीप इन प्रायोरिटी भी ओके okay, ज्यादा टाइम इसके ऊपर मत देना पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल एच कंपनी फर्म एल एल जीएसटी में एल को पार्टनरशिप फर्म माना जाता है बॉडी कॉर्पोरेट नहीं पार्टनरशिप फर्म माना जाता है एओपी बी इनकॉपोरेट इंडिया और आउटसाइड इंडिया कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेट इंडिया और आउटसाइड इंडिया बॉडी ओके यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लोकल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट सोसाइटी ट्रस्ट और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल आखिरी में तो वो कहता है कोई भी पर्सन इसमें आ जाएगा इन शॉर्ट ओके भाई साहब जीएसटी सब पे आएगा सबका बदला ओके okay, हाँ सबका बदला लेगा ये तेरा ओके okay, जीएसटी वाला तो ऐसे सिचुएशन में ओके okay, सारे पर्सन पे जीएसटी आता है एग्जाम के हिसाब से इसके पीछे टाइम मत वेस्ट करना चलो एक कॉन्सेप्ट लेते हैं डीम डिस्टिंग पर्सन ओके okay. इसका बहुत रिलेवेंस है जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और वो कॉन्सेप्ट यहां पे deem distinct person. तो यहाँ पे डीम डीम डिस्टिंग डिस्टिंग पर्सन पर्सन तो चलिए दोस्तों यहां पर सेक्शन ट्वेंटी फाइव सेक्शन ट्वेंटी फाइव फोर और सेक्शन ट्वेंटी फाइव फाइव इस कॉन्सेप्ट को समझ लो थोड़ा स्लो ले लेता हूं तो ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से हो जाएगा जीएसटी में आपको अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन जहां से आप ऑर्डिनरीली सप्लाई करते हो या जहां पे आपका वेयर हाउस है या जहां पे आपका डेपो है या जहां पे कंसाइमेंट एजेंट का प्लेस है वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहा जाएगा जहां से आप सप्लाई करते हो सेक्शन ट्वेंटी टू कहता है कि आपको स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जैसे महाराष्ट्र है और दूसरा गुजरात है तो आपकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में एक ब्रांच गुजरात में और दोनों भी पीओबी भी है प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से आप बिजनेस कर रहे हो मे भी वेयर हाउस होगा मे भी गोडाउन होगा मे भी सेल होगा जहां से आप सप्लाई कर रहे हो और वो आपकी ही ब्रांच है मैं पहले वर्ड यूज कर रहा हूँ सेपरेट एंटिटी नहीं आपकी ब्रांच है और ये भी आपकी ही ब्रांच है तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है आपको स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो स्टेट का सप्लाई उसी स्टेट में पेमेंट होगा इसलिए बेटा यहाँ पे इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको अलग से लेना पड़ेगा और इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको अलग से लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन में पहले दो डिजिट होते हैं स्टेट कोड फिर होता है आपका पैन फिर होता है आपके एंटिटी नंबर और चेकसम नंबर तो इस तरह से पंद्रह डिजिट का जी एस आपको मिलता है इसका अलग मिलेगा क्योंकि इसका स्टेट कोड अलग रहेगा और इसका अलग मिलेगा इसका स्टेट कोड अलग रहेगा तो अब ये जो है ओके सेपरेटली रजिस्टर्ड है और स्टेट वाइज आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे अगर आपका उस स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस है नाउ अब लॉ क्या कहता है सेक्शन ट्वेंटी फाइव फोर कहता है ट्वेंटी फाइव फोर कहता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में भी है और आपका रजिस्ट्रेशन गुजरात में भी है तो दोनों स्टेट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो इसे डीडीपी माना जाएगा इसको जीएसटी पर्पस के लिए डीम डिस्टिंग पर्सन मतलब अलग पर्सन माना जाएगा माना जाएगा वैसे नहीं है पर माना जाएगा इस डीडीपी बोलने की वजह से क्या हो गया डीडीपी बोलने की वजह से ये होगा कि इसके कंप्लायंस अलग इसके कंप्लायंस अलग मतलब इसका जीएसटी आर अलग इसका जीएसटी इस आर अलग टू भी अलग थ्री भी अलग सब अलग ओके okay, दोनों के टैक्स पेमेंट अलग ओके okay, तो यहां पे जीएसटीआर नाइन दोनों का अलग इन सिंपल वर्ड यहां पे इन दोनों को डीडीपी मान लिया गया और दूसरा इंपैक्ट क्या आता है दूसरा इंपैक्ट आता है ओके ऑफ ऑफ शेड्यूल वन पैरा टू ऑफ शेड्यूल वन ऑफ सेक्शन सेवन वन सी ओके वो कहता है कि अगर डीडीपी में कोई ट्रांजेक्शन होता है एसओजी का या एसओ एस का सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस का कोई ट्रांजेक्शन होता है तो ये जो है ये विदाउट कंसिडरेशन होगा ये फ्री होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा ओके इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर ये ट्रांजेक्शन होगा बिटवीन रिलेज पर्सन या डीडीपी तो सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा तो पहले ब्रांच पर आप जीएसटी दोगे और दूसरे ब्रांच में उसका क्रेडिट मिल जाएगा अगर वो क्रेडिट के लिए एलिजिबल ओके okay, तो ये उसका इंपैक्ट आ जाता है नाउ अब सेक्शन 254 अगर दो रजिस्टर पर्सन अलग-अलग स्टेट में है तो डीडीपी बोले जाएंगे अब दूसरा एक कंसर्न है कि आपका जो है महाराष्ट्र में पुणे में प्लेस ऑफ बिजनेस है और दूसरा आपका गोडाउन वेयरहाउस या प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से बिजनेस कर रहे हो या कंसामिनेशन नागपुर में और आपकी ही ब्रांच है ओके okay, ये आपकी ब्रांच है और नागपुर में ओके क्या मैं अगर सेम स्टेट में मेरी एक से ज्यादा ब्रांचेस होगी तो क्या मुझे इसके यहां सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं गवर्नमेंट तो कहती है आप सिंगल ही लो ज्यादा अच्छा है ओके और दोनों का मिलके जीएसटी आर वन दो टू बी दो थ्री बी दो सिंगल ही लो गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करेगी वो कहती है स्टेट वाइज आपको सिंगल भी चलेगा पर स्टेट चेंज हुआ तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे कंपल्सरीली चलो तो आप इसका सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो ओके okay, आप इसका सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो सिंगल रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या है सिंगल रजिस्ट्रेशन के फायदे यह है कि एक ही जीएसटी आर वन एक ही टू बी एक ही थ्री बी एक ही कॉमन कंप्लायसेस ओके सारा क्रॉस क्रेडिट भी अलाउ हो जाएगा क्योंकि सिंगल रजिस्ट्रेशन है वन टू वन को रिलेशन इज नॉट नेसेसरी आप इधर का क्रेडिट इधर ले सकते हो इधर का क्रेडिट इधर ले सकते हो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा ये बहुत सारे फायदे है सिंगल रजिस्ट्रेशन के ओके सिंगल रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फायदे है. दो मिनट बेटा ठीक है तो सिंगल रजिस्ट्रेशन के ये सारे फायदे उन्होंने दिए हैं लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा आप चाहो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो तो आप चाहो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो लेकिन अगर आप ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे हो सुनना मेरी बात अगर आप ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो वो सिचुएशन में ये डीडीपी कहलाए जाएंगे सेक्शन 25 फाइव फोर के हिसाब से ये डीडीपी मान लिया जाएगा और डीडीपी मान लिया गया तो इन दोनों में अगर कोई सप्लाई होता है तो जीएसटी आ जाएगा ओके सी जी एस टी याचीएसटी आएगा या आई जी एस टी आएगा पर जी एस टी आएगा अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया आप ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं ओके okay, यहाँ पर तो डी बोल दिया जाएगा चलिए ये तो था यहाँ पे आ, आ, जहां तक है दो रजिस्टर्ड प्लेसेस सेम स्टेट में हो या डिफरेंट स्टेट में हो लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा क्या समझ लो कोई एक तीसरा स्टेट है दिल्ली और ये दिल्ली में आपकी एस्टैब्लिशमेंट है एस्टैब्लिशमेंट है लेकिन ये प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है जस्ट एस्टैब्लिशमेंट एक जस्ट ऑफिस है पर वहां से आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, है कोई डेपो नहीं है, है जिस ऑफिस है तो यहां जीएसटी लॉ क्या कहता है? है कि हम ये नहीं कह रहे कि सभी रजिस्ट्रेशन करो करके रजिस्ट्रेशन करके करोगे क्या आप इसका रजिस्ट्रेशन करके ओके यहां से जब कोई सप्लाई नहीं है तो खाक रिटर्न दोगे आप इसका ओके या जीएसटी आर वन टू बी वगैरह कोई रिटर्न दे नहीं सकते आप इसका तो ऐसे केस में आप हम कंपलसरी कर रहे हैं अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन जब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो लेकिन अगर आपका ये जस्ट एस्टैब्लिशमेंट है पर वो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है एज पर जीएसटी लॉ जीएसटी लॉ के हिसाब से प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जहां से आप ऑर्डिनरी सप्लाई कर रहे हो वेयर हाउस है गोडाउन है तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा तो ये जस्ट एस्टैब्लिशमेंट है तो यहां रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है जस्ट ऑफिस है एक बीपीओ ऑफिस है कुछ वहां पर हमारे एम्प्लॉइज है कस्टमर केयर है पर वहां से कोई भी सप्लाई नहीं हो रहा है वहां से कोई भी सप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है नो नीड टू रजिस्टर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया तो भी चलेगा अब समझ लो यहां पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो फिर क्या होगा तो फिर दोस्तों यहां पे ध्यान से सुनिएगा ओके okay. क्या इसे डीडीपी माना जाएगा तो यस yes, अगर कोई आपका ऐसा एस्टेब्लिशमेंट होगा जो अदर स्टेट में बोलो मेरे साथ कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट होगा जो अदर स्टेट में है ओके okay, तो वो भी सेक्शन ट्वेंटी फाइव फाइव से ओके okay, डीडीपी मान लिया जाएगा ये भी डीडीपी मान लिया जाएगा इवन दो वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में एक एस्टेब्लिशमेंट आपका रजिस्टर्ड है और ये डीडीपी है तो अगर ये केस में जो रजिस्टर्ड है और जो डीडीपी है ये ओके okay, जो अनरजिस्टर्ड है तो ये भी डीडीपी मान लिए जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों में भी अगर कोई एसओजी होता है या एसओएस होता है तो ये भी सप्लाई बोला जाएगा ओके ये भी सप्लाई बोला जाएगा अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यहां पे कोई गुड्स आप ऐसे स्टेब्लिशमेंट भेज रहे हो जहां से कोई सप्लाई नहीं है पर आप कोई सर्विस दे रहे हो गुड्स दे रहे हो तो वो भी सप्लाई मान लिया जाएगा क्या ये समझा क्या होगा तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है वन टाइप करो ओके समझा होगा तो फटाफट वन टाइप करो मैं देख रहा हूं वन टाइप कर रहे हो आप चलो ओके okay, तो ये था ट्वेंटी फाइव फोर ओके आपका रजिस्ट्रेशन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन है इन वन स्टेट और डिफरेंट स्टेट इस सच रजिस्ट्रेशन शाल बी ट्रीटेड एस डिस्टिंग पर्सन या आपका एक जगह रजिस्टर, रजिस्टर, रजिस्टर और दूसरी जगह जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है एस्टेब्लिशमेंट इन अनादर स्टेट है तो वो केस में उसको डीडीपी बोला जाएगा वेरी गुड वेरी गुड ओके अच्छा टू टाइप कर हो मतलब डबल समझ गया आपको रे वाह ओके okay, कुछ स्टूडेंट टू टाइप कर रहे हैं मतलब डबल समझ गया चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन रजिस्टर नेक्स्ट डेफिनेशन रजिस्टर रजिस्टर मतलब जिसने सेक्शन ट्वेंटी फाइव में रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन ख्याल रहे ओके बट डज नॉट इंक्लूड ये इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट बोल जाते हैं बट डज नॉट इंक्लूड्स अ पर्सन हैविंग यू आई एन यूनिक आइडेंटिटी नंबर हाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है जीएसटी में यू है जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस या फिर फॉरेन एम्बेसीज ओके इनको गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोसीजर रखी है यू अगर आपके पास यूआईन है तो आपको आउटपुट टैक्स पे जीएसटी नहीं देना पड़ता है और आप जो परचेस करते हो उस परचेस का आपको रिफंड मिल जाता है ओके okay, तो आपको रिफंड मिल जाता है उसके बाद में सप्लायर ओके सप्लायर की डेफिनेशन हाँ ये सप्लायर की डेफिनेशन अमेंडमेंट में अच्छे से पढ़ लेना मैंने यहाँ शॉर्ट में ली है पर अमेंडमेंट में अच्छे से पढ़ लेना ओके okay, और थोड़ा मैं भी आपको बता दूंगा सप्लायर की डेफिनेशन में यहाँ पे उन्होंने एक्शनेबल क्लेम के हिसाब से लॉटरी बेटिंग ऑनलाइन गेमिंग के हिसाब से एक प्रोविजो भी एड की है सप्लायर का मतलब क्या होता है सप्लायर ओके यहाँ पे मींस अ पर्सन सप्लाइंग से गुड्स और सर्विसेज एंड सर्विस इंक्लूड्स एन एजेंट एक्टिंग ऑन द बीफ ऑफ सप्लायर वो तो सिंपल है सप्लायर मतलब जो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विस और उसका एजेंट लेकिन उन्होंने ये ये प्रोविजो ऐड की है अमेंडमेंट से देख लेना ओके okay, ये प्रोविजो में क्या लिखा है सप्लायर इंक्लूड पर्सन अरेंजिंग सप्लायर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एंड ही ओन ऑपरेट और मैनेज ई प्लेटफॉर्म हाँ शॉर्ट में तो इतना ही याद रखना है कि जो ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म अरेंज uh, कर रहा है या ऑनलाइन uh, गेमिंग के प्लेटफॉर्म अरेंज कर रहा है या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ये वर्ड आया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जिसका डिस्कशन मैं आगे करूंगा ओके okay, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के जो यहाँ पे uh, कर रहा है, या ओन कर रहा है ऑपरेट कर रहा है उसे सप्लायर बोला जाएगा तो चलिए यह डिस्कशन देखा रिगार्डिंग टू सप्लायर है पर recipient की definition important है, <coughs> क्यों इंपॉर्टेंट है रिवर्स चार्ज के लिए हुए अगर आपको कंसिडरेशन मिल रहा है यानी योर सप्लायर फॉर कंसिडरेशन है तो रिसिपियंट इज अ पर्सन हु पेज दैट कंसिडरेशन हाँ। ख्याल रहे रिसिपियंट इज अ पर्सन हु पेज दैट कंसिडरेशन एक एग्जाम्पल जो मैं रेगुलर बैच में लेता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है और उसको कंपनी ने ट्रेनिंग के लिए भेजा है इवन दो मैं स्टूडेंट को सर्विस दे रहा हूं लेकिन लेकिन पेमेंट मुझे कंपनी दे रही है तो मेरा रिसिपियंट स्टूडेंट नहीं होगा मेरा रिसिपियंट कंपनी होगी जो कंपनी मुझे पेमेंट कर रही है जो कंसिडरेशन मुझे दे रही है ही इज माय रिसिपियन तो मेरा टैक्स इन्वाइस उस कंपनी के नाम पे बनेगा समझ में आई बात चलो <coughs> दूसरा अगर कंसिडरेशन नहीं है और सप्लाई ऑफ गुड्स है तो जिसको आपने गुड्स डिलीवर्ड किया मेड अवेलेबल करवा दिया वो यहाँ पे रिसिपियन माना जाएगा और कंसिड्रेशन नहीं है और सप्लाई ऑफ सर्विस है तो जिसको आपने सर्विस ओके रेंडर की ओके okay, वो माना जाएगा इंक्लूडिंग एजेंट एजेंट भी उसमें कवर होगा तो जिसको सर्विस आपने प्रोवाइड की वो रिसिपियन माना जाएगा ओके okay, और अगर एजेंट ले रहा होगा तो एजेंट रिसिपियन माना जाएगा चलो ये रिसिपियन की डेफिनेशन देखिए उसके बाद में बिजनेस की डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से कीप इन प्रायोरिटी भी रीड करके चले जाना एग्जाम में इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करना व्हाट इज व्हाट डू मीन बाय बिजनेस इसको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा रीड करके चले जाना अगर कोई इन बिटवीन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको आना चाहिए तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं बिजनेस यानी क्या <coughs> तो बिजनेस एन ए ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन वोकेशन एडवेंचर विजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव हो या नो हो ओके okay, इसी ट्रेड से रिलेटेड आपकी एंसिलरी एक्टिविटी इंसिडेंटल एक्टिविटी जैसे मेन बिजनेस आपका जो भी होगा गुड्स बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना लेकिन कभी कभी इंसिडेंटल एक्टिविटी आपकी बिजनेस की फर्नीचर बेच दिया फर्नीचर बेचना आपका बिजनेस नहीं है असेट है पर आपने बेच दिया कोई स्क्रैप बेच दिया कोई वेस्टेज बेच दिया जो कनेक्टेड टू योर बिजनेस है वो भी बिजनेस माना जाएगा और उसके भी जी आएगा उसके बाद में एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ क्लॉस ए मतलब क्या ओके okay, ऐसी कोई एक्टिविटी जो ट्रेड से आई है जो आप फ्रीक्वेंसी में नहीं देते हो कभी कभी देते हो ओके okay, जो ट्रेड से आई है वो भी एक्टिविटी बिजनेस में आएगी या एक्टिविटी बिफोर कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस यानी आपने कोई गुड्स खरीदा इनपुट्स खरीदा सर्विस खरीदी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो भी बिजनेस माना जाएगा या आपने कोई गुड्स सर्विसेस सप्लाई किया आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस वो भी बिजनेस माना जाएगा उसके बाद में स्पेशल एक्टिविटी स्पेशल एक्टिविटी में क्लब एसोसिएशन सोसाइटी या कोई बॉडी अपने ही मेंबर को फैसिलिटी बेनिफिट दे रही है फॉर सब्सक्रिप्शन अपने ही मेंबर को अगर कोई सर्विसेज दे रही है तो बिजनेस के डेफिनेशन में इंक्लूड होगा उसके बाद में यहां पे एडमिशन टू एनी प्रीमाइसिस एंट्री टिकट जो बिजनेस में आएगी उसके बाद में एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब रेस क्लब की सारी एक्टिविटी बिजनेस में बोला जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट ऑफिस होल्डर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हो और कि उसका कंसिडरेशन मिल रहा है तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा और एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल ऑथॉरिटी एज अ पब्लिक ऑथोरिटी वो भी बिजनेस बोला जाएगा तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और लेवी का पार्ट हमने कंप्लीट किया ओके okay, आया क्या आपके समझ में अगर समझ में आया होगा तो बोलिए यस सर फटाफट एम जेड एम जेड टाइप करो अगर आप एम जेड टाइप करते हो तो मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं हर चीज यहाँ पे टच करूंगा पूरा हम ब्रशअप कर लेंगे पूरा पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद आ जाएगा याद आ रहा है कि आपको पढ़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट बेटा लिंक नहीं खुल रही है तो खुल जाएगी अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है खुल जाएगी वेट करो ओके okay, वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी सारे सारे स्टूडेंट वेबसाइट पे आ रहे हैं ओके वेरी गुड चलो हाँ अब ये जो है टाइप ऑफ सप्लाई एक होता है टैक्सेबल सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी है ओके okay, एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी नहीं है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई कह जाएंगे बिल्कुल भी लेवी नहीं है अल्कोहलिक लीकर नॉन टैक्सेबल सप्लाई कह जाएंगे टैक्सेबल सप्लाई लेवी है टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाई नील रेट सप्लाई एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल है बट एग्जाम है नील रेट सप्लाई टैक्सेबल है बट एग्जाम है जीरो रेट सप्लाई टैक्सेबल है बट एग्जमट है लेकिन मैं आगे भी पढ़ाऊंगा और अभी बता देता हूं जब जब भी जीएसटी में ओके एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन लर्न करके जाना जब जब भी जीएसटी में एग्जाम सप्लाई आएगा तो एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नील रेट सप्लाई ली एग्जाम एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई वैसे तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई अलग है वैसे तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई अलग है पर जब भी जीएसटी के कॉन्टेक्स में एग्जाम सप्लाई वर्ड होगा तो आपको तीन सप्लाई लेना है बोलो मेरे साथ कौन से तीन सप्लाई लेना है नील रेट सप्लाई लेना है वो एग्जाम सप्लाई लेना है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई लेना है <coughs> ये समझ में आया क्या ओके okay, ये आपको समझ में आया क्या येस और नो बोलिए फटाफट तो चलिए दोस्तों ये था रिगार्डिंग टू हमारा जहां तक देखा जाए टाइप ऑफ सप्लाई हमने देखा चलो अब नेक्स्ट डिस्कशन पे आ जाओ सप्लाई सप्लाई गुड्स और सर्विस का गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट डू मीन बाय गुड्स व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस और फिर जाते हैं सेक्शन सेवन में व्हाट डू मीन बाय सप्लाई तो देखो वॉट ओके गुड्स यानी यानी क्या गुड्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कमॉन गुड्स यानी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज और सर्विस तो भाई साहब क्या कहती है एनी थिंग अदर देन गुड्स यानी सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पैसा कमाया गया सारा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पैसा कमाया गया जिसमें गुड्स नहीं होगा और मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूड होगा वो सर्विस के डेफिनेशन में आएगा वो सर्विस के डेफिनेशन में आएगा गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स एक्शनेबल क्लेम पे थोड़ा हम डिस्कशन भी करेंगे गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड एग्रीड टू बी सर्व बिफोर और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई मतलब ग्रोइंग्रॉप्स वगैरह भी गुड्स के डेफिनेशन में आएगा और स्पेशल बात क्या है स्पेशल बात यह है कि ये जो एक्शनेबल क्लेम है एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स के डेफिनेशन में आएगा भाई साहब ओके यस गुड्स के डेफिनेशन में आएगा लेकिन शेड्यूल थ्री में आगे बताऊगा सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आता है वही एक्शनेबल क्लेम पे

मनी कन्वर्जन का कमीशन मतलब डॉलर टू रुपीज रुपीज टू डॉलर कमीशन लिया गया पांच के अगेंस्ट में कॉइन दिए गए उसका कमीशन लिया गया तो उसका जो कमीशन है उसके ऊपर जीएसटी आएगा उसको कोई एक्जम्पन नहीं है और सर्विस इंक्लूडिंग फैसिलिटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज मतलब क्या सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन का अरेंज करना देखो मनी के ट्रांजेक्शन और सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडेड है तो ट्रांजेक्शन मियरली इन मनी ट्रांजेक्शन मियरली इन सिक्योरिटीज पैसा देना पैसा लेना एक्सक्लूडेड ओके okay, किसी को आपने चेक दिया प्रोमिसरी नोट लिया एक्सक्लूडेड ओके आपने पैसा दे के डीडी लिया एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन प्योरली इन मनी या शेयर खरीदा शेयर बेचा बॉन्ड खरीदा बॉन्ड बेचा डिवेंचर खरीदा डिवेंचर बेचा एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा लेकिन उस ये डील अरेंज करने के लिए ब्रोकरेज लगाया ब्रोकरेज लगाया या फिर अदर चार्जेस है तो वो जो है अदर चार्जेस ब्रोकरेज चार्जेस लेंडिंग चार्जेस ओके यहाँ पे जो भी होगा ओके यहाँ यहां पे उसके ऊपर जीएसटी आएगा तो ये था बेटा गुड्स और सर्विस से रिलेटेड ओके व्हाट इज इंक्लूडेड इन in गुड्स सर्विस बाय एनीथिंग बड़ा स्कोप है कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो ओके वो सर्विस के माने जाएंगे फिर क्यों ना वो इमोएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो और बोथ ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें गुड्स और सर्विस कॉमन रहते हैं वैसे तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपको होगा जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों भी डोमिनेंट होते हैं रेस्टोरेंट कैटरिंग दोनों भी डोमिनेंट होते हैं और ये दोनों को सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है एज पर पैरा टू ओके तो चलिए अब ये हमने गुड्स और सर्विस का डेफिनेट

आपके ट्रांजेक्शन विद कंसिडरेशन हो गए और आपके ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन हो गए चलो आपके ट्रांजेक्शन अगर विद कंसिडरेशन है तो सेवन वन एवन वन ए नीचे दिया हुआ है मैंने और सेवन वन बी ओके तो सेवन वन ए ले लेता हूँ सेवन वन ए ये जो है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई भाई साहब ओके okay, जब भी जब जब भी नाम सप्लाई का आएगा जब जब भी नाम सप्लाई का आएगा तो ये जो है आपके मेन प्रिंसिपल हो गए सप्लाई के लिए ठीक है आपकी ये मेन प्रिंसिपल हो गए सप्लाई के लिए तो ये मेन वड़ा पाव है बाकी तो इडली चटनी है बाकी तो इडली चटनी है मेन ये प्रिंसिपल है ये वड़ा पाव है तो सप्लाई यानी क्या सप्लाई में वो स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब क्या पहले तो एक क्लियर कह दिया कि भाई साहब वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सेल वगैरह कोई भी फॉर्म में गुड्स दो कोई भी फॉर्म में सर्विस दो नाम कुछ भी हो नाम कुछ भी हो कोई भी फॉर्म में गुड्स दो कोई भी फॉर्म में सर्विस दो ओके okay, अगर आप ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेस होगा और ये चार कंडीशन मतलब मेड मेड और बी फॉर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कंसिडरेशन पे किया आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया जिसका पैसा मिला ओके okay, तो वो सप्लाई माना जाएगा ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया लाइक ओके यहां पे सेल ओके एग्जाम्पल okay, क्या सेल यहाँ पे सेल, ट्रांसफर, एक्शन, डिस्पोजल, लाइसेंस, रेंटल, लीज़, ओके, तो सेल होगा एग्जाम्पल है लर्न करने की जरूरत नहीं है सेल होगा ट्रांसफर होगा बार्टर होगा एक्सचेंज होगा डिस्पोजल लाइसेंस रेंटल लीज और मेड और अग्रीड टू बी मेड ख्याल रहे ओके, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ये चारों क्यूमुलेटिव कंडीशन है यह चारों जब फुलफिल हो जाएगी तो वह सप्लाई बुला जाएगा कंसिडरेशन होना जरूरी है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना जरूरी है तो सप्लाई बुला जाएगा अब मेड और अग्री टू बी मेड मतलब क्या ओके okay, मेड याने आपने ओके गुड्स और गुड्स और सर्विस डिलीवर्ड पैसा बाद में मिला ओके सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड है पैसा बाद में मिला तो आपने सप्लाई कर दिया अग्री टू बी मेड मतलब क्या तो आपको एडवांस मिला तो एडवांस मिला तो उस पर भी जीएसटी आता है एडवांस मिला तो जीएसटी आता है या एग्रीमेंट किया तो भी जीएसटी आता है पर मैं आपको एक नोटिफिकेशन बता दूं ओके okay, यहां नहीं लिखा होगा आपने ऐड कर देना जो चीज अगर नहीं लिखी होगी और आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो ऐड कर देना ओके okay, और एक नोटिफिकेशन है सिक्सटी सिक्स बाय और सिक्सटी सिक्स बाय के हिसाब से सुनिएगा 2017 के हिसाब से यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके यहां पे जो है सर्विस के एडवांस पे ही जीएसटी आएगा गुड्स के एडवांस पर अभी सस्पेंड किया हुआ है उस पर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा पर एक अमेंडमेंट आई और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो एडवांस पे जीएसटी आएगा जो बाद में देखेंगे अभी तो इतना ही याद रखो कि गुड्स के एडवांस के केस में आई रिपीट गुड्स के एडवांस के केस में जीएसटी नहीं आएगा ओके okay, जीएसटी नहीं आएगा सस्पेंड किया गया वो टीओ एस है लास्ट डेट ऑफ इनवाइस पे होगा बट सर्विस होगा तो और एवर इज अर्लियर उस पे ही आएगा चलो ये तो अब मेड मेड और टू बी फॉर कंसिडरेशन आपका ट्रांजेक्शन फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए कंसिडरेशन मतलब क्या कंसिडरेशन जो है आपको मनी या अदरवाइज मिल रहा है मतलब आपने जो सप्लाई किया उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन आना चाहिए तो ही जीएसटी आएगा मतलब क्या फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं आता है बोलो मेरे साथ एक साथ ओके फ्री एक्टिविटी पे वैसे तो जीएसटी नहीं आता है जब तक हम यहाँ पे आगे शेड्यूल वन नहीं देखेंगे तो फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं आता है ओके okay, अब आपके ट्रांजेक्शन में कंसिड्रेशन है ये कैसे पता चलेगा आपका ट्रांजेक्शन फ्री नहीं है कंसिडरेशन ये कैसे पता चलेगा ये पता चलेगा कि आपके ट्रांजेक्शन में मनी है या अदरवाइज काइंड में कुछ दिया हुआ है ओके okay, अगर आपके ट्रांजेक्शन में काइंड में भी होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा उसके बाद में द मोनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट या फॉर बिरेंस यस वेरी इंपॉर्टेंट मोनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट या फॉरबीरेंस ओके तो फॉरबिरंस होगा आपके ट्रांजेक्शन uh, में तो भी जीएसटी आएगा मैं ये एग्जांपल अपने रेगुलर क्लास में लेता हूँ आपको याद आ रहा है माय वाइफ इंटीरियर डेकोरेटर ओके वो एग्जांपल ऐसा था कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चालू था इंटीरियर डेकोरेशन का और वो इंटीरियर डेकोरेशन का प्रोजेक्ट में यहाँ पे नेबर वालों ने ऑब्जेक्शन ले लिया था कि भाई आप काम नहीं कर सकते और लिमिटेड टाइम में ही काम करोगे तो फिर मैं गया मेरे वाइफ के साथ और मैंने कहा कि देखो सर ओके okay, प्लीज़ हमें काम करने दो आपको क्या तकलीफ है बताओ तो उन्होंने कहा भाई सोने का टाइम हमारा दोपहर का होता है और उसके बाद में और रात को सात बजे के बाद आप काम नहीं करोगे अब वो प्रोजेक्ट मेरे वाइफ को जल्दी कम्प्लीट करना था तो ऐसे केस में मैंने उनको एक ऑफ़र दिया कि देखो आपके घर का भी इंटीरियर नहीं हुआ इस हॉल का तो मेरी वाइफ जो है इस हॉल का इंटीरियर करके देगी इसके अगेंस्ट में आप जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हो वो विड्रॉ कर लो अब दिखने को तो मेरे वाइफ ने उसको फ्री सर्विस दिया, फ्री सर्विस सर्विस दिया दिया कि आपका इंटीरियर हम कर देंगे पर उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन मिला क्या कंसिडरेशन मिला फॉर बिरेंस उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होते बिल्डर के प्रोजेक्ट में स्लम रिहेबिलेशन है बिल्डर आपको ओके यहाँ पे पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देगा जो स्लम वाले हैं उनको लेकिन उनको राइट छोड़ने पड़ेंगे फॉर्बिरेंस है एक्ट है तो कभी कभी कंसिडरेशन हो सकता है मनी में नहीं है काइन में नहीं है कुछ एक्ट या फॉर्बिरेंस में है तो वो भी यहाँ पे कंसिडरेशन माना जाएगा नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंड टू और फॉर इंडमेंट ऑफ सप्लाई मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एक्सक्लूड कंसिडरेशन में दो चीजें आपको नहीं लेना है यह लर्न करना है कौन सी दो चीजें नहीं लेना है सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रहा है तो वह आपको कंसिड्रेशन में नहीं लेना है फॉर एग्जाम्पल आप फर्टिलाइजर मैन्युफेक्चर कर रहे हो सुनिएगा आप फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कर रहे हो फर्टिलाइजर की प्राइस हंड्रेड रुपीज़ है जिसमें से थर्टी परसेंट गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो जब आप फर्टिलाइजर सेल कर रहे हो तो थर्टी रुपीज गवर्नमेंट दे रही है और फार्मर आपको जिसको बेचा गया वो सेवेंटी रुपीज दे रहा है तो जीएसटी 100 पे हंड्रेड नहीं आएगा जीएसटी सेवेंटी पे ही आएगा गवर्नमेंट की सब्सिडी पे जीएसटी नहीं आएगा इन शॉर्ट इवन दो यू आर गेटिंग हंड्रेड रुपीज आई रिपीट यू आर गेटिंग हंड्रेड रुपीज लेकिन जीएसटी जो आएगा ओके okay, वो सब्सिडी काट कर आएगा यानी सेवेंटी रुपीज पे आएगा और डिपॉजिट्स अगर आपने कस्टमर से डिपॉजिट लिए हो तो वो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा अनलेस इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई ओके तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा तो आपको दो बातें याद रखनी है सब्सिडी और डिपॉजिट एक्सक्लूड होगा और उसके बाद में लास्ट इन द कोर्स और फदरेंस ऑफ बिजनेस इस बार बिजनेस की डेफिनेशन हम देखिए तो जो सप्लायर सप्लाई करेगा वो सप्लायर इन द कोर्स और फदरेंस ऑफ बिजनेस करेगा ओके okay, तो बिजनेस में होगा तो ही जीएसटी आएगा समझ लो आपकी कार है और आपने और ये देखो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लायर के एंगल से देखा जाएगा आई रिपीट सप्लायर के एंगल से देखा जाएगा कि वो बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है रिसिपियन क्या कर रहा है उससे कंसर्न नहीं है और सप्लायर इज सप्लाइंग द गुड्स सप्लायर इज प्रोवाइडिंग द सर्विस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस समझ लो आपकी ओल्ड कार है और ओल्ड कार आप जो है बेच रहे हो सेकेंड हैंड डीलर को तो आपकी पर्सनल कार है और जब आप अपनी पर्सनल कार बेचते हो ओके सेकेंड हैंड डीलर को पर्सनल मोबाइल बेचते हो पर्सनल ज्वेलरी बेचते हो पर्सनल फर्नीचर बेचते हो जो बिजनेस का पार्ट नहीं है और वो आप बेचते हो तो दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा लेकिन अगर आपकी कार बिजनेस असेट होगी आई रिपीट आपकी कार बिजनेस असेट होगी तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है ओके okay, ज्वेलरी का भी एग्जाम्पल मैंने दिया और मैंने यहाँ पे जैसे प्रसाद वगैरह मिलता है ओके okay, टेंपल में वगैरह तो ये प्रसाद हम वगैरह जो आपको मिलता है ये भी नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है जैसे बालाजी बालाजी लड्डू सेल कर रहे हैं लड्डू सेल हो रहा है बट नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे तो ये बेसिक प्रिंसिपल थे सप्लाई के आई रिपीट दोस्तों ये बेसिक प्रिंसिपल थे सप्लाई के आई होप आपको ये समझ में आए होंगे चलिए अब नीचे सेवन वन ए उन्होंने दिया है सेवन वन ए ए क्या है सेवन वन ए स्पेशली एड किया गया ओके okay. क्या हुआ था क्लब एसोसिएशन अगर आप देखते हो प्रॉपरली तो क्लब एसोसिएशन सोसाइटी बिजनेस की डेफिनेशन देखोगे तो क्लब एसोसिएशन सोसाइटी अपने ही मेंबर को अगर कोई फैसिलिटी दे रही है फॉर कंसिडरेशन तो वो सप्लाई बोला जाएगा वो सप्लाई बोला सॉरी वो बिजनेस बोला जाएगा ठीक बिजनेस में कवर कर लिया था लेकिन कंफ्यूजन क्लियर हो गया कंफ्यूजन हो गया था और वो ये कंफ्यूजन कि पुराने कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने ये कहा था कि अगर क्लब की बात करें और वो मेंबर की बात करें तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव माने जाएंगे एक्सक्लूसिव नहीं माने जाएंगे मतलब अलग अलग नहीं माने जाएंगे इसके वजह से क्या हो गया कि कुछ लोगों ने रिट पिटिशन फाइल कर दिया और ये कहा कि भाई जब दोनों एक ही है तो फिर सप्लाई किस बात का फिर सप्लाई किस बात का और बहुत से क्लब ने एसोसिएशन ने जीएसटी नहीं दिया जो सर्विसेज अपने मेंबर को प्रोवाइड करते हैं तो सेक्शन सेवन वन ए ए लाया गया और गवर्नमेंट ने यह क्लियर कह दिया कि भाई ओके okay, क्लब सोसाइटी एसोसिएशन एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल फिर वो ट्रस्ट क्यों ना हो और उसके मेंबर ये डिस्टिंग पर्सन माने जाएंगे ये अलग अलग माने जाएंगे फॉर जीएसटी पर्पस जीएसटी टी पर्पज ये अलग अलग माने जाएंगे और अगर ओके okay, यहां पे एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल वो क्लब हो सोसाइटी हो को ऑपरेटिव सोसाइटी हो ट्रस्ट हो और अपने मेंबर को सर्विस दे रहा है ओके फॉर कैश पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन या मेंबर सर्विस दे रहा है वाइस वर्षा तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा चलो ओके okay, उसके ऊपर जीएसटी आएगा चलो यहां पे यह हमने देखा सेक्शन सेवन ए उसके बाद में हम देखेंगे सेक्शन सेवन वन बी हम देखेंगे सेक्शन सेवन वन बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस ओके सेक्शन सेवन वन बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस में अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन हाँ, कोई सर्विस अगर इंपोर्ट होती है और वो सर्विस जो इंपोर्ट हो रही है फॉर इंपोर्ट हो रही है और मतलब okay, yes, तो मुझे बताओ इज इट ओके देखो पहला चैप्टर पहला चैप्टर है तो यहां okay, यह चैप्टर आपने बहुत बार पढ़ा होगा थोड़ी बहुत स्पीड हो सकती है पर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे जो चैप्टर में डिस्कशन होना जरूरी है वो चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे और चैप्टर खत्म होने के बाद हम क्वेश्चनर्स भी लेंगे हम क्वेश्चनर्स की प्रैक्टिस भी लेंगे जिसका कंप्लीट शेड्यूल मैंने आपको दिया है तो यस ओके समझ में आ रहा है सबको यस बेटा प्लीज बताओ सबको समझ में आ रहा है चैप्टर पे ज्यादा आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस पे एम्फोसाइज करना ओके और ये चैप्टर की आपने रिवीज़न जो है वो अच्छे से ये चैप्टर चार्ट बेस रिवीज़न का ये चैप्टर आपने हजार बार पढ़ा होगा हजार बार पढ़ा होगा ये चैप्टर ठीक है नहीं बेटा सेशन विदाउट ब्रेक है ओके okay, चलो तो ये जो है बेटा यहाँ पे ये बेसिक कंडीशन जो हमने यहाँ पे ली और सप्लाई ये बेसिक कंडीशंस हम यहाँ देख रहे हैं अब आते इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे ठीक है यस आपको अच्छे से समझ में आ रहा है हाँ नहीं 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 मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और अगर ये जो है यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ब्रश अप करवा के दूंगा मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे पढ़ के आओगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे समझ में आएगा और आपने अगर मेरा क्लास किया होगा तो ये चार्ट पे ही हमने ड्रॉ किया हुआ है यस और नो सेक्शन के क्लॉज वगैरह याद नहीं रखने हैं ओके okay, जो है हम क्वेश्चन यार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के सेशंस भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा तो किस तरह से प्रेजेंट करना है वो भी जरूर करना ओके okay, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर टॉपिक के बाद हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो वो भी आपने जरूर करना तो डेफिनेटली आपको किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा ये भी बताया जाए पर सेक्शन लिखो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है ठीक है अब यहां पे देखते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहां पे देखते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस अब सप्लाई इंक्लूड सेक्शन सेवन वन बी अगर हम लेते हैं तो सेक्शन सेवन वन बी में सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर सर्विस बाहर से आप इंपोर्ट करते हो और फॉर कंसीडरेशन आई रिपीट फॉर कंसिडरेशन इंपोर्ट करते हो वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ओके वो बिजनेस के लिए हो या ना हो लेकिन सर्विस इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी आता है अगर आपका फॉर कंसिडरेशन होगा उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है आई रिपीट उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है <coughs> हाँ, अब इसमें जो है यहां पे दो बात है अगर गुड्स इंपोर्ट होगा अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया होगा तो इट इज गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट कस्टम एक्ट के हिसाब से जीएसटी आता है यहां हम स्पेशली बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे और सर्विस अगर आप इंपोर्ट करते हो फॉर कंसिडरेशन होगा वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ अदरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो वो सिचुएशन में जहां तक है आपको जीएसटी ओके okay, देना पड़ेगा पर कंसिडरेशन होना जरूरी है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कवर्ड बाय दिस सेक्शन चलो अब थोड़ा मैं एक एनालिसिस यहाँ पे करूंगा ओके ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस आगे जाके ये बताऊंगा कि ये रिवर चार्ज में भी आता है यहाँ पे रिवर चार्ज में आता है मतलब रिसिपियंट इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर चार्ज रिवर चार्ज में इसका टैक्स पे करता है ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस चलिए तो ये यह हमने यहाँ देखा सेक्शन सेवन सेक्शन सेवन वन ए सेवन वन बी सेवन वन ओके ये सारे सेक्शन हमने कंप्लीट किए और आपने अगर मेरा क्लास किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अभी तक का डिस्कशन अगर आपको समझ में आया तो फटाफट लाइक कीजिएगा वेट किस बात का कर रहे हो फटाफट पड़ लाइक कीजिएगा हाँ जो फर्स्ट टाइम या बहुत दिनों के बाद जीएसटी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने मेरा क्लास नहीं लगाया है वो अगर पढ़ के आएंगे तो ये पूरा फ्लो उनको समझेगा ओके okay, पूरा फ्लो क्योंकि मैं चार्ट बेस्ड uh, रिविजन उन स्टूडेंट्स क्योंकि मैं पढ़ाता ही चार्ट में हूँ तो मोस्टली उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरा क्लास किसी फॉर्म में किया हो ओके okay, बाकी स्टूडेंट यस डेफिनेटली अगर इस फ्लो में जाते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आएगा ओके डन चलिए तो फटाफट फड़, ओके okay, आप लाइक कर दीजिएगा चलो अब आते कुछ ऐसी एक्टिविटी जो विदाउट कंसिडरेशन है ओके okay, ऐसी एक्टिविटी जो विदाउट कंसिडरेशन अब विदाउट कंसिडरेशन मतलब क्या मतलब फ्री एक्टिविटी होगी शेड्यूल वन में ओके okay, शेड्यूल वन में सेक्शन सेवन वन सी सेक्शन 71 वन सी अगर आपकी एक्टिविटी फ्री एक्टिविटी होगी और ये जो फ्री एक्टिविटी होगी इवन दो कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी जीएसटी आएगा मतलब क्या प्राइमरीली आपके सप्लाई में कंसिडरेशन होगा तो ही जीएसटी आता है और वो बेस है लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज नोटिफाई की फ्री होगा तो भी जीएसटी आएगा पहला उसका एक्टिविटी है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट

कैपिटल असेट में आपकी मशीनरी हो फर्नीचर हो या अदर हो फर्नीचर हो या अदर हो और करंट असेट में आपका स्टॉक हो अगर इसका परचेज करते वक्त आपने क्या लिया होगा परचेस करते वक्त आपने आईटीसी लिया होगा आईटीसी लिया होगा ओके okay, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी दिया ओके okay, क्यों आईटीसी दिया गवर्नमेंट ने क्योंकि यहाँ पे आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो और आईटीसी लिया हुआ असेट क्यों ना आपका वो स्टॉक हो परचेस का स्टॉक हो और ये आपने किसी को परमानेंटली फ्री दे दिया अब परमानेंटली फ्री दे दिया मतलब क्या किया आपने मतलब आपने जो है यहाँ पे ओके आ, किस जैसे मेरे पास कंप्यूटर है कंप्यूटर पुराने थे मैंने आईटीसी लिए हुए थे किसी को डोनेट कर दिए परमानेंटली फ्री दे दिए घर पे लेके चले गया परमानेंटली घर पे बिजनेस के बाहर लेके गया ट्रेन को दे दिया व्हाट इट मे बी अगर आई लिया हो और आपने फ्री दिया हो तो सप्लाई माना जाएगा तो सप्लाई माना जाएगा एक बार फिर से एक बार फिर से फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं आता है लेकिन आपने अगर परचेस करते वक्त बिजनेस का बताया हो उसका आईटीसी लिया हो और फिर फ्री फ्री बांटा हो तो गवर्नमेंट कहती है आता माजी सटकली भाई क्रेडिट लिया क्यों क्योंकि बिजनेस के लिए यूज़ करोगे और फ्री बांट दिया ओके फिर घर पे क्यों ना लेके जाए वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा लेट्स टेक एनालिसिस सर अगर मैंने आई नहीं लिया और फ्री दिया होगा तो आई नहीं लिया और फ्री दिया होगा तो वो केस में जीएसटी नहीं आता है फ्री सप्लाई पे जीएसटी नहीं आता है ओके लेकिन आई लेके फ्री दिया होगा तो जीएसटी आएगा क्या यहां तक समझा बेटा यहाँ सब समझा होगा तो वन कर, टाइप करो ओके okay, यहाँ तक समझा होगा तो वन टाइप करो तो चलो ये पहला प्यारा चलो 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 वन टाइप करो पहला प्यारा ले लिया हमने कि आईटीसी लिया होगा तो जीएसटी आएगा दूसरा दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंग पर्सन ओके गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंग पर्सन अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इस बात को समझ लो ओके okay. अगर आपने रिलेटेड पर्सन को दिया <coughs> या डीडीपी को दिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो वो सिचुएशन में फ्री दिया होगा तो भी जीएसटी आएगा जहां तक डिस्टिंग पर्सन यानी क्या हम देख चुके हैं डिस्टिंग पर्सन अगर आपको याद होगा तो हमारी ब्रांच जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है सेम स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो या फिर अदर स्टेट में कोई एस्टेब्लिशमेंट हो अगर उसको कोई भी गुड्स या सर्विस फ्री देते हो ओके गुड्स और सर्विस फ्री सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा <coughs> उसके ऊपर जीएसटी आएगा दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ डिस्टिंग पर्सन नहीं उन्होंने रिलेटेड रिलेटेड पर्सन पर्सन भी कवर किया है यानी क्या सर ये बताओ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंग पर्सन चलिए ये डिफरेंस आपको मैं बता देता हूं <coughs> यहां पे रिलेटेड पर्सन क्या लिया जाएगा तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दी गई है आपको ये लर्न नहीं करना है रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से लर्न नहीं करना है जस्ट रीड रिलेटेड क्या सेपरेट एंटिटी एग्जाम्पल के तौर पर ओके होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी दोनों एंटिटी अलग अलग है दोनों के पैन अलग अलग है दोनों के पैन अलग अलग है दोनों एंटिटी अलग अलग है समझ में आया? Okay. Separate entity, but related है, but related है। तो related और ब्रांच अंडर सेम पैन आई रिपीट हमारी ब्रांच अंडर सेम पैन उसे हम डीडीपी कहते हैं और रिलेटेड मतलब सेपरेट एंटिटी है तो रिलेटेड की डेफिनेशन नीचे दी है उन्होंने ओके okay, मतलब कॉमन डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स है दो कंपनी में डायरेक्टर कॉमन है या दोनों लीगली एज पार्टनर्स है मतलब दोनों मिलके पार्टनरशिप चला रहे हैं या वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना दे आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय हाँ एम्प्लॉयर ये याद रखना दो ही चीजें याद रखनी है डेफिनेशन से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और नीचे फैमिली ओके okay, अगर एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय है तो रिलेटेड माना जाएगा उसके बाद में यहाँ पे एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल होल्डी ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा स्टॉक दोनों में रखे हुए हैं या नेक्स्ट वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर ओके एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओके यानी होल्डिंग सब्सिडरी आप कह सकते हो होल्डिंग एंड सब्सिडरी उसके बाद में बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन कोई तीसरा दोनों को कंट्रोल कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि भाई ओके okay, कोई थर्ड uh, कंपनी है एग्जाम्पल वेदांता वेदांता थर्ड कंपनी है जिसने स्टेक वी स्मार्ट में भी रखा है और कोई दूसरे एकेडमी में रखा है तो तीसरे के वजह से हम रिलेटेड हो गए और टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन या दोनों मिलकर थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं वो रिलेटेड माने जाएंगे सर रिलेटेड की डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट है लर्न करके करके नहीं जाना है इसमें कि दो बातें पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो आज तक आरटीपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं ओके क्या कवर की इन दो बातों पे तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड माने जाएंगे ये याद रखना है और मेंबर ऑफ सेम फैमिली हाँ मेंबर ऑफ सेम फैमिली रिलेटेड माने जाएंगे अब मेंबर ऑफ सेम फैमिली यानी क्या ओके okay, ध्यान ध्यान से सुनना पाउस और चिल्ड्रन ओके ये ऑलवेज रिलेटेड हो गए इसका मतलब अब अगर आपने कोई गुड्स और सर्विस अपने स्पाउस को दी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या चिल्ड्रन को दी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ठीक है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगा अगर वो फ्री दिया होगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मेरे बेटे का बिजनेस है मेरा बिजनेस अलग है और मैंने फ्री दिया होगा तो कौन ओके okay, यहाँ लीगली उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा मेरे स्पाउस इंटीरियर डेकोरेटर है मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में उसका जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ओके यहाँ पे फ्री दिया तो हाँ, लेकिन पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ये रिलेटेड तभी बोले जाएंगे जब ये डिपेंडेंट हो गए डिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगे तो ही रिलेटेड माने जाएंगे ओके स्पाउस चिल्ड्रेन डिपेंडेंट हो या ना हो रिलेटेड हो गए लेकिन बाकी जो है अगर डिपेंडेंट होगे तो ही रिलेटेड माने जाएंगे जिसमें कौन कौन आता है एक बार फिर से पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर और एनी पर्सन ओके जो डिपेंडेंट है <coughs> ओके सिस्टर ऑफ द सिस्टर पर्सन इफ दे आर वोली और पार्ट वेली डिपेंडेंट अब थोड़ा मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में बात करूंगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड है इससे प्रॉब्लम क्या हो गया इससे एक प्रॉब्लम हो गया कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को कुछ भी फ्री देते हो अपने एम्प्लॉय को कुछ भी फ्री देते हो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो इसके ऊपर तो जीएसटी आ जाएगा भाई साहब इसके ऊपर तो जीएसटी आ जाएगा अब अपने एम्प्लॉय को फ्री दे दिया अब पुराने जमाने में आपने देखा होगा ओके okay, राजा को बेटा हुआ ओके okay, वो दाई माँ खबर लेके आती है कि राजा आपको बेटा हुआ राजा गले का हार गुड्स दे रहा है उसको फ्री भाई साहब आज अगर वो गले का हार फ्री दिया तो जीएसटी आ जाएगा उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा हाँ ओके okay, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कुछ भी फ्री दिया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा जैसे मैं एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को कार फ्री दे रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा हूँ तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़ो लाई और प्रोविज़ो में क्या कहती है शायद आपको ये याद होगी और फिर से कहता हूँ कोई अगर बहुत दिनों बाद ओके okay, जीएसटी बिल्कुल भी पढ़ा नहीं और बैठा होगा तो भाई साहब पढ़ के आओ तो अच्छे से समझेगा मैं ये यहाँ पे रिविज़न बैच ले रहा हूँ आपके कौन से ब्रशअप करवा रहा हूँ ओके okay, कोई यहाँ पे अगर सोचेगा कि भाई नहीं सर ये तो हमें डेप्थ में पढ़ना है तो मेरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच या रेगुलर बैच अवेलेबल है वो जरूर लो ऐसा पढ़ोगे कि जिंदगी में नहीं भूलोगे ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जिन्णों इन्होंने जीएसटी पढ़ लिया है और फटाफट ब्रशअप करना है ठीक है तो जहाँ तक देखा जाए तो अब देखो वो क्या कहते हैं प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट अप टू रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड गिफ्ट होगा अप टू रुपीज फिफ्टी इन अ वैल्यू इन अ फिनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई हाँ अब गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे रियायत दी कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक इन अ फिनेंशियल ईयर पूरे साल भर में सुनना मेरी बात पूरे साल भर में ओके पूरे साल भर में पचास तक गिफ्ट दिया वैल्यू पचास हज़ार अभी दस का दिया बाद में बीस का दिया बाद में दस का दिया ऐसे टोटल पचास हज़ार पर एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय पचास हज़ार तक दिया तो जीएसटी नहीं आएगा इवन दो दे आर रिलेटेड पार्टी पचास हज़ार तक फ्री गिफ्ट दिया तो जीएसटी नहीं आएगा लेकिन पचास हजार के ऊपर अगर वैल्यू होगी आई रिपीट पचास हजार के ऊपर अगर वैल्यू होगी तो वो केस में यहाँ पे ओके जीएसटी आ जाएगा और टोटल अमाउंट पे आ जाएगा मतलब अगर उसकी वैल्यू सेवनटी थाउजेंड है तो सेवनटी थाउजेंड टोटल पे जीएसटी आ जाएगा ओके okay, अगर गिफ्ट पूरे साल भर में पचास हजार के ऊपर जा रहा होगा तो चलिए दोस्तों ये हमने देखा स्पेशल क्लॉज फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय उसके बाद में उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक द सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन द बी ऑफ अ प्रिंसिपल या फिर बाय एजेंट टू हिस्स प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन द बी ऑफ अ प्रिंसिपल वेयर एजेंट इश्यूज हिज ओन इन्वाइस जहां एजेंट अपना इन्वाइस इशू कर रहा है थोड़ा ये कंसेप्ट को आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूं ओके okay, यहां पे हम्म जस्ट मिनट कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर प्रिंसिपल है और उसका एजेंट है प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया बेचने के लिए अपने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया बेचने के लिए और एजेंट आगे कस्टमर को बेच रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल तो अब यह पैरा थ्री कब लगता है आपको अगर याद होगा तो मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर एजेंट जो है आगे बेचते वक्त प्रिंसिपल का इन्वाइस बनाएगा तो इनवाइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है खुद का इन्वाइस नहीं बना रहा है तो ऑब्वियसली अगर इनवाइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है तो इसका टैक्स कौन पे करेगा इसका टैक्स प्रिंसिपल पे करेगा तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट यानी सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट जो है ओके okay, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा वो पैरा थ्री अप्लाई नहीं होगा हाँ पैरा थ्री ये कहता है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर गुड्स दिया तो क्यों ना वो फ्री दिया हो, हो विदाउट कंसिडरेशन किया हो पर जीएसटी आएगा पर पैरा थ्री कब लगाना तो सीबीआई सर्कुलर कहता है कि पैरा थ्री सारे एजेंट के केस में नहीं लगेगा पैरा थ्री कब लगेगा जब एजेंट बेचते वक्त ओके okay, यहां पे खुद का इन्वाइस दे रहा है मतलब क्या बहुत सारे एजेंट जब आगे बेचते हैं तो बेचते वक्त खुद का इन्वाइस दे रहे हैं जैसे ये एजेंट एक्स वाई जेड है है प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा और अगर ये खुद का इन्वाइस दे रहा है तो अगर इन्वाइस उसने खुद का बनाया तो ऐसे केस में इसका जीएसटी पे करने का जिम्मेदारी उसका रहेगा तो वो सिचुएशन में पैरा थ्री लग जाएगा और पैरा थ्री के हिसाब से ये जो स्टॉक ट्रांसफर है बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट प्रिंसिपल टू एजेंट इस स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा और प्रिंसिपल को देना पड़ेगा okay, लेकिन अगर एजेंट ने अपने इन्वाइस के अंडर में नहीं बेचा एजेंट ने जो है okay, आगे बेचते वक्त प्रिंसिपल का ही इन्वाइस दिया तो फिर okay, ये स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं लगेगा ओके okay, नहीं लगेगा और पैराथ्री अप्लाई नहीं होगा ये समझा क्या बेटा ये समझा होगा तो फटाफट पी टाइप करो ये समझा होगा तो फटाफट पी टाइप करो चलो फटाफट ये समझा होगा तो फटाफट पी टाइप करो ठीक है तो हमने ये देखा प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन द बी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट हिज ओन इनवाइस एजेंट इशुइंगज हाँ जहां एजेंट खुद का इनवाइस दे रहा है तो पहला जो प्यारा लगता है वो सेलिंग एजेंट को लगता है पहला प्यारा सेलिंग एजेंट को लगता है और दूसरा प्यारा बाइंग एजेंट को लगता है बाइंग एजेंट को लगता है मतलब अगर ओके यहाँ पे एजेंट एजेंट टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल होगा और ने आपके पे के पे के परचेस किया होगा तो ये भी अगर एजेंट खुद का इन्वाइस देता है ओके प्रिंसिपल के बिहाब पे परचेस किया और खुद का इनवाइस देता है तो ही प्यारा थ्री लगेगा अगर वो खुद का इन्वाइस नहीं दे रहा है डायरेक्ट सप्लायर का इनवाइस दे रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा ये हमने देखा पैरा थ्री प्रिंसिपल टू एजेंट उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो बेटा यहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट थोड़ा ये पैरा देखते हैं शेड्यूल का और शेड्यूल वन का पैरा पैराफोर क्या कहता है शेड्यूल वन का पैरा पैराफोर कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन अब देखो मैं ये दोनों पैरा आपको समझाता हूं सेक्शन वन बी क्या कहता है सेक्शन सेवन वन बी ये कहता है सुनिए ध्यान से सेक्शन सेवन वन बी ये कहता है कि अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की और वो सर्विस फॉर कंसिडरेशन होगा वेदर और नॉट फॉर बिजनेस अगर वो सर्विस किसी से भी इंपोर्ट किया और वो बिजनेस के लिए हो या ना हो उसमें कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी आएगा और रिवर्स चार्ज में रिसिपियन टैक्स देगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस से जैसे बाहर से मैंने कंसल्टेंसी ली बिजनेस के लिए लिया होगा तो भी जीएसटी आएगा बाहर से मैंने पर्सनल सर्विस ली आर्किटेक्ट पर्पज आर्किटेक्ट की सर्विस मेरे घर के, के लिए दी तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा मतलब वो सप्लाई बोला जाएगा वो बिजनेस के लिए हो या ना हो इन शॉर्ट कंसिडरेशन पे होगी तो ही जीएसटी आएगा पॉइंट नंबर टू अगर आपका फ्री सर्विस होगा तो फ्री सर्विस फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है बोलो मेरे साथ एक बार जोर से इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है प्री इंपोर्ट सर्विस पे लेकिन लेकिन पैरा फोर के हिसाब से ये जो अगर आपने फ्री सर्विस इंपोर्ट की फ्री सर्विस इंपोर्ट की और ये जो फ्री सर्विस इंपोर्ट किया आई रिपीट ये फ्री सर्विस जो इंपोर्ट किया अगर रिलेटेड से किया होगा आउटसाइड इंडिया या और एस्टेब्लिशमेंट से किया होगा और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा तीन कंडीशन एक बार फिर से बोलो फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है लेकिन अगर ये फ्री इंपोर्ट सर्विस आपके किससे होगी ये फ्री इंपोर्ट सर्विस रिलेटेड पर्सन से होगी जो रिलेटेड पर्सन इंडिया के बाहर होगा अब रिलेटेड पर्सन मतलब मेंबर ऑफ सेम फैमिली होगा या रिलेटेड पर्सन हमारा एम्प्लॉय होगा जो रिलेटेड की डेफिनेशन है जो आउटसाइड इंडिया है या हमारी कोई ब्रांच है जो आउटसाइड इंडिया है और उससे सर्विस इंपोर्ट की होगी और वो बिजनेस पर्पज के लिए इंपोर्ट की होगी तो इसके ऊपर बेटा यस yes, आपको जीएसटी लगेगा इसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा ओके okay, और यहां पे ये कॉन्सेप्ट जहां तक है तो ये जो है हमने व्हाट मीन बाय सप्लाई और सप्लाई कहाँ बोला जाएगा ये ये इसमें हमने A, A A, B और C, ये हमने और देखा चलो ठीक है चलिए दोस्तों तो ये यहां तक हमने कंप्लीट किया यहाँ पे आई होप आपने एंजॉय किया होगा B में एक है इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर वो एक्समिशन एक्समिशन चैप्टर में आती है कि इंडिविजुअल ने लिया होगा और बिजनेस पर्पज के नहीं लिया होगा तो फिर एग्जामिशन मिलता है तो वो एग्जामिशन में आती है ठीक है आई होप आपको रिविजन अच्छा लगा येस और नो अच्छा लगा होगा तो फटाफट लाइक कीजिएगा बेटा <laughs> अच्छा होगा तो फटाफट लाइक कीजिएगा चलो यहाँ पे चलो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहाँ अपने आप को रजिस्टर करो आपके लॉगिन में आपको सारी नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी हो सकता है क्योंकि अभी ओके okay, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके होंगे तो जो लिंक है ओके okay, अभी लिंक ओपन नहीं होगी होगी तो रात को ट्राई करो सुबह ट्राई करो मैं सब मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके बाद में मैंने शेड्यूल दिया है उस दिन वो चैप्टर हम रिवाइज़ करेंगे ठीक है आज हमने देखा था कि सप्लाई हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई हो जाएगा एक घंटे का डिस्कशन बाकी है डोंट वरी ओके ये घंटे का हम आगे के सेशन में कवर कर लेंगे आगे के सेशन में हम कवर कर लेंगे इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे ठीक है दोस्तों यस और नो ओके अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप वो मैंने बनाया हुआ शेड्यूल कौन से दिन कौन सा चैप्टर रहेगा मैंने बनाया हुआ शेड्यूल

और ये जो है पहला चैप्टर है पहला चैप्टर में हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्पीड आपको ज्यादा लगे लेकिन आप एक बार रीड करके आ जाओ ओके आगे का डिस्कशन आपने रीड करने के बाद मैं कवर कर लूंगा विद ऐसी क्लैरिफिकेशन और उसको अच्छे से हम यहां पे कवर कर लेंगे देन? देन, 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 देन। तो आपका पूरा प्लान शेड्यूल मैंने आपके लॉग में दिया हुआ है आपके लॉग में दिया हुआ है चलिए थैंक यू सो मच यहाँ रुकते हैं आगे का बचा हुआ डिस्कशन हम आगे कवर करेंगे एक बार पढ़ो चार्ट डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आगे वाले शेड्यूल मैंने आपके लॉगिन में दे दिया है कि कौन से दिन कौन से चैप्टर में लेने वाला हो तो वो वा आपके लॉगिन में देख लो ओके और हम ये जो डिस्कशन है वो चैप्टर पढ़ के आओ तो डेफिनेटली ये बैच आपको हेल्प करेगी और साथ साथ में मैंने जो क्वेश्चनर डिस्कशन रिकॉर्ड करके रखा है उसकी भी प्रैक्टिस आपकी करवा के करूँगा तो हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन भी हो जाएगा और उसका मैंने डिजिटल फाइल आपको दिया है तो उसमें हम वो भी रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ रुकता है थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ओके आपके जो भी डाउट्स और कमेंट्स होगे okay, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ओके okay, मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कवर कर लूँगा तो चलो दोस्तों यहाँ रुकता है Done. Okay, bye. Good day. Good night to all of you.